हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रही है? चलो 2 मिनट रुकते हैं, सब लोगों को ज्वाइन करने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वंडरफुल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। गुड आफ्टरनून स्नेहा, शिवांगी, यश, गोलू कुमार, दर्शन, रमेश, प्रदीप, क्या बात है। चलो आने देते हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी। यस, विशाल, आरती, मोहम्मद, कार्तिकेश। अरे हिमांशु कहाँ है? हिमांशु ज्वाइन नहीं हुए हो क्या आप? नंदिनी, आवाज आ रही है आपको क्लियरली? ओके ओके, अरे हिमांशु कुछ नहीं, मैंने आपका वो मैसेज देखा था लास्ट लाइव सेशन पे, आपके पास कोई टोटका है 10 दिन में पैसा डबल, नहीं रातों रात पैसा डबल, राइट? सर आपके कोर्स में स्टडी मटेरियल भी देते हो क्या? यस बेटा, सब कुछ मिलेगा आपको। आप इस वीडियो को, आज के सेशन को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या बात है शिवांगी, लव फ्रॉम खंडवा, लव फ्रॉम पुणे बेटा, थैंक यू सो मच। यस अश्वनी, आपसे बहुत बार बात हुई है डाउट सॉल्व करते समय, पहली बार आपको वर्चुअली देख रहा हूँ। अरे कोई भी डाउट हो तो पूछो बिंदास, मतलब जो लोग भी जुड़े हुए हैं जब तक हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई गेस देर आर स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड येट, तो अपन रुक जाता है 1-2 मिनट के लिए। क्या है, आपका अकाउंट्स का सेशन आई गेस थोड़ा सा डिले खत्म हुआ ना, थोड़ा लेट खत्म हुआ था, तो अपन रुक जाता है 2 मिनट के लिए। क्या बात है दिनेश, तू यहाँ आ गया पढ़ाई कर जाके, इंटर की हो गया ना फाउंडेशन, दूसरी बार देना है क्या फिर से? तो आजा, कुछ पुराने बच्चे भी जुड़ गए हैं। यस समीर, हैप्पी सीए डे, हैप्पी सीए डे टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर। 73rd सीए डे है, 1949 से लेके आज 72 years complete हुए है CA इंस्टीट्यूट को। एंड आई हैव एन्जॉयड माई जर्नी डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट एंड एज वेल एज एज अ प्रोफेशनल राइट नाउ। आप लोग भी श्योरली जल्दी ही इस प्रोफेशनल लीग में आ जाओगे और हमारे कलीग्स बनोगे, ऐसे मैं पूरी दुआ करता हूँ आज के दिन पे। अक्षरा बोल रही है सर मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्या बात है, मतलब ऐसा बहुत रेयरली सुनने मिलता है CA फाउंडेशन में, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एक्सेट्रा, वैसे इतना सुनने नहीं मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सर डर लगता है मैथ्स से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दोनों भी टाइप के स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, एंड आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, डू नॉट वरी। साक्षी थैंक यू सो मच बेटा, क्या बात है अनुज, ग्रेट। आपने शायद बात की थी, अपनी बात हुई थी अनुज, राइट? यस रमेश, यस यस, पूरे बेसिक्स कवर करवाए जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट बेटा, ठीक है। चलो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने वेट कर लिया है काफ़ी, अभी हम लोग हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, राइट। आज डे 1 है CA फाउंडेशन नवंबर 2021 एंड मई 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी तो आपकी है ही है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो अभी 12th में पास हुए हैं, मतलब आपकी रिजल्ट जो आई है 12th की, वो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर मैं तो बस पास हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो अभी कोरोना की भी देन है यहाँ पे, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था सर ऐसा फाउंडेशन में भी हो सकता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फाउंडेशन में, ये सिर्फ आपको 11th 12th तक, यूजुअली 12th में भी नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर एग्जाम्स हो चुके थे कोविड आने के पहले, लॉकडाउन होने के पहले, सो यूजुअली 10th 12th या प्रोफेशनल स्टेजेस पर ये चीज़ें नहीं होती है। बट दिस टाइम दी थिंग्स वर आउट ऑफ दी हैंड। सो इस टाइम जो बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वाले एंड जो भी स्टेट बोर्ड्स है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो लोग 12th नहीं लेंगे, राइट, एग्जाम नहीं लेंगे, सो आप पास हो गए। बट ऐसा कुछ फाउंडेशन में नहीं होगा, राइट। नहीं तो हिमांशु आएगा बोलेगा सर 24 घंटे में फाउंडेशन पास कर सकते हैं, ऐसा टोटका है मेरे पास, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो ग्रेट है सत्यम, क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा। ओके आप लोग जो भी क्वेरीज या जो भी डाउट्स आपके चैट बॉक्स में डाल रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, या जो आगे जाके इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देखने वाले हो, डू नॉट वरी बेटा, आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व किए जाएंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, तो मैं यहाँ पे पूरा फोकस देने वाला हूँ, मैं आपके क्वेरीज बीच बीच में रीड करते रहूँगा और आपको आंसर देते रहूँगा। मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको इंटरेक्टिव पॉइंट पूछ रहा हूँ कुछ डिस्कशन के लिए, वहाँ पे प्लीज डाल देना, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है ना जो मुझे पहचान नहीं रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मेरे बारे में आगे, बट ठीक है। एनी विच वेज, आई एम करन चंदवानी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग फॉर CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स एंड CA इंटर EIS SM सिंस लास्ट 5 years ऑलमोस्ट। एंड आज हम यहाँ पे CA फाउंडेशन नवंबर 2021 और मई 2022 की बैच स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। नेगेटिव मार्किंग है बेटा CA फाउंडेशन में, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेरी डाल रहे हैं उस चीज़ के लिए, मैं इसको स्पेसिफिकली कवर करने वाला हूँ हमारे आज के सेशन में। यूजुअली जो फर्स्ट सेशन होता है ये इंट्रोडक्टरी टाइप होता है, बैकग्राउंड भी हम बताते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का, कोर्स का, किस तरीके से आप और मैं मिलकर इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम लेट मी नॉट फॉरगेट, एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल्स दूंगा। एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स पार्ट, राइट। सो आप सिर्फ बने रहिएगा, आपको एक एक करके चीजें समझने आएगी। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, राइट। वी विल स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1, कंटेंट पे शुरुआत करते हैं, लेक्चर पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट गाइस, रेडी हो? हाउ इज द जोश? यस, खाना वगैरह खा लिया होगा आप लोगों ने, सोना नहीं है, मैं सोने दूंगा नहीं वैसे, अब ऐसा सामने तो नहीं बैठो कि मैं उठ के आपको यहाँ पे रुका दूं, बट आप अपने अपने घर हो, सेफ हो, पता है, बट स्टिल मैं यहाँ से ऑर्डर दूंगा तो आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो रेडी हो गाइज? यस, हाउ इज द जोश? ग्रेट। हिमलता बोल रही है हाय सर। यश, अजित, अरे बाकी के हेलो, बफर हो रहा है? यस, नहीं मेरे यहाँ से इंटरनेट का इशू आ रहा है, शायद बफर हो रहा है वो। एक सेकंड रुकना, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ओके चलो गाइज, आवाज आ रही है? कार्तिक अभी चेक करना। अरे तुम लोगों ने इतना हाय 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 डाल दिया कि मेरा इंटरनेट हाय हाय हो गया यहाँ पे। हाँ, इतने हाय 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 स्टार्टिंग से आ गए यहाँ पे, इंटरनेट ही मेरा हाय हाय हो गया, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट गाइज। कुछ लोग मुझे लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को जब भी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है, राइट। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, आपने भी आंसर देना है। मुझे आ जाएगा आवाज यहाँ पे, आपने सुना होगा सुबह टेलीपैथी, याद है? चलो सामने क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एक बड़ी सी कंपनी दिख रही है। यस, एक बड़ी सी कंपनी दिख रही है। कौन सी कंपनी है ये पता है? हाँ नहीं, अरे बात करते हैं KC इंडिया लिमिटेड की। नहीं पता है? अरे KC करण चंदवानी, KC इंडिया लिमिटेड, अरे बहुत बड़ी कंपनी है, यू डोंट नो। टर्नओवर है 500 करोड़ का, प्रॉफिट है 50 करोड़ का, डिविडेंड है 5 लाख का, और नंबर 1 है फॉर्चून 100 में। नहीं पता है? ये इंसान खड़ा है सामने, हाँ अच्छा चलो, एनी विच वे, शायद कुछ लोगों को पता होगा ये एप्पल पार्क है, राइट? एप्पल पार्क है कैलिफोर्निया में, उनका ये पूरा कैंपस यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी की बात करते हैं। एक स्टोरी कहना चाहूंगा मैं आपसे यहाँ पे मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के पहले। ध्यान देना, पूरी चीज समझना, जहां जहां क्वेश्चन पूछूं चैट बॉक्स यूज करना। एक इंसान है, एक एम्प्लॉय है बेसिकली अपनी कंपनी का, जिसका नाम है पप्पू, राइट? बहुत सिंपल सा इंसान है, हार्डवर्किंग इंसान है, ह्यूमर है, ह्यूमर आपको पता ही है पप्पू का ह्यूमर, राइट? यहां से आप कुछ चीज डाल दो, यहां से बन के बाहर निकल जाएंगी, राइट? चलो, काफी फेमस है, जाने माने हस्ती है मेरे कंपनी के, केसी इंडिया लिमिटेड के, राइट? बहुत ही मेहनती एम्प्लॉइज है, यस। चलो, अब यहाँ पे एक दिक्कत की बात आ गई बेचारे की। क्या हो रहा है, ये जो पप्पू है ये कमाता है 10,000 रुपये महीने के, राइट? इसके एक्सपेंडिचर जो है घर चलाने के लिए जो खर्चा ये करता है वो है 10,000 रुपए महीने का। मतलब कमाया कितना, 10,000, खर्चा कितना किया, 10,000, बचे कितने हाथ में, कुछ भी नहीं, नो सेविंग्स। देखो बेचारा कैसे उदास है, राइट? देयर आर नो सेविंग्स, नाउ व्हाट इज टू बी डन। अब यार इसकी तो एक ही ड्रीम थी, इसकी तो एक ही इच्छा थी कि यार ये जो पौधा है केसी इंडिया लिमिटेड का, इसमें अगर मैं पैसा डाल दूं, इसके अगर मैं शेयर्स परचेस कर लूं, तो ये तो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते, इतना प्रॉफिट आता है, अपन ने देखा ना अभी, राइट? सो इसका ड्रीम था कि यार मुझे तो इन्वेस्ट करना है केसी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में, बट मैं कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है, राइट? हाँ, आलू से सोना बराबर कार्तिक, ठीक है? मेरे पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है, तो मैं किस तरीके से चीज को ध्यान दूं, राइट? सो इसने सोचा, बहुत सोचा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। फाइनली ही गॉट वन सोल्यूशन। इसने अप्रोच किया अपने काफी दोस्तों को, अपने काफी रिलेटिव्स को, अपने मेंटोर्स को, सीनियर्स को, राइट? और इसको एक सोल्यूशन मिला, एक काम कर भाई, तो ना एक बैंक है जिस बैंक का नाम है नमो बैंक, जिसमें मोटा भाई इज द एमडी। ये बैंक में तू जा, ये बैंक वाले ना तेरे को पूरी तरीके से मदद करेंगे, पूरी तरीके से तुझे लोन देंगे ताकि तू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। ध्यान देना, सामने आदित्य बताऊंगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, डोंट वरी, सामने ध्यान दो, सिर्फ समझो जो मैं बता रहा हूं, बी प्रेजेंट ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक नमो बैंक है, राइट? मोटा भाई इज द एमडी ओवर हियर इन द नमो बैंक, एंड इस नमो बैंक में फाइनली पप्पू दौड़ने लगा। पप्पू गया वहां पे और बोलता है, भाई मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मुझे वो शेयर्स परचेस करने हैं और मुझे भी अमीर बनना है रातों रात, तो मैं केसी इंडिया लिमिटेड में पैसा डालूंगा, मुझे भी रातों रात अमीर बनने का मौका मिलेगा, तो मुझे पैसा दे दो, दे दो रे बाबा, दे दो पैसा, राइट? ऐसे जाके वो 5 लाख रुपए का लोन वहां पे इंक्वायरी करने गया। अब क्या हुआ होगा मुझे बताओ, क्या बैंक लोन दे सकता है यहाँ पे, क्या बैंक यहाँ पे पप्पू को लोन दे सकता है? जोक सपाट, सीरियसली बताओ, क्या बैंक यहाँ पे लोन दे सकता है पप्पू को, या कोई कंडीशन होगी, कोई चीज होगी, क्या होगा, क्या लगता है आपको? फटाफट बताओ, चलो प्लीज गेट इन दी कमेंट बॉक्स, फटाफट बताओ मुझे क्या लगता है आपको, क्या पप्पू को लोन मिलेगा, क्या पप्पू को लोन मिलेगा? हाँ या ना? नहीं मिलेगा, क्यों क्यों नहीं मिलेगा? अरे नहीं बोलने वालों बताओ क्यों नहीं मिलेगा? जस्ट बिकॉज वो पप्पू है, अरे वो सिंपल है, हार्डवर्किंग है, इतनी सब चीजें कर रहा है वो जिंदगी में, लोन तो मिलना चाहिए ना उसको। कंडीशन, क्या कंडीशन वैष्णवी? सर कंडीशन, कोई कंडीशंस पर ही लोन मिलेगा। अरे रमेश आप स्पैम मत को करो, आपको ब्लॉक किया जाएगा। मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपकी क्वेरी का, जब मैं टाइम दूंगा तब पूछ लेना या क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है? विदाउट रीजन तो नहीं मिलेगा, ओके। मॉर्टगेज करना पड़ेगा उसके पास कुछ तो भी। सर मॉर्टगेज क्या होता है वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। सर उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। हाँ मिलेगा, लेकिन सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आपको इतनी चीज तो पता है कि जब भी कोई इंसान बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तो ही और शी हैज टू मे बी गिव सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी। That is called as, these type of loans are called as collateral loans. Maybe ये जो बंदा है, इस बंदे को या बंदी को वहां पे कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही इस बंदे को यहाँ पे लोन मिलेगा। सो डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, डिपेंड्स फ्रॉम फॉर व्हाट इज द पर्पस। आप ये जो पैसा लेने वाले हो इसका आप क्या करने वाले हो, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है, राइट? साक्षी कह रही है इंटरेस्ट हो सकता है सर, और मॉर्टगेज भी हो सकता है। गाइस लेट मी टेल यू, जिनको मॉर्टगेज, जो मॉर्टगेज बोल रहे हैं, जिनको मॉर्टगेज की मीनिंग पता है, राइट? लेट मी टेल यू, मॉर्टगेज करो या कुछ भी करो, लोन दिया है ना तो इंटरेस्ट तो लगेगा। सर कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, बताऊंगा, ध्यान दो, सामने ध्यान दो, ठीक है? सर उसके पास कोई सेविंग नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा? मतलब आपको ऐसा कहना है कि जिस इंसान के पास सेविंग नहीं होगी, देखो अगर उसके पास सेविंग होती तो वो लोन क्यों मांगता? सिंपल सी बात है ना यार, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो ही मैं पैसा मांगूंगा ना, मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पैसा क्यों मांगूंगा, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, राइट। सो बोथ दी वेज अपन दोनों भी चीजों को डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। अब मोटा भाई ने बोला बीइंग द एमडी कि डील डन, पप्पू भाई डील डन, बट देयर इज सर्टेन कंडीशन, आप हमको जब पैसे दोगे तो आप ज्यादा दोगे। सो आप ले लो हमारे पास से लोन 1 अप्रैल, अज्यूमिंग 2025 इज द डेट, 5 लाख का लोन हमारे पास से ले लो, बट जब हम हमको लोन वापस दोगे, जब आप हमको पैसा वापस दोगे, लोन लिया है ना वापस तो देना पड़ेगा, जब आप हमसे पैसा लेने वाले हो तो 5 लाख लो, जब आप हमको पैसा देने वाले हो तो 7.5 लाख रुपए देना। कितना? 7.5 लाख रुपए, राइट। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट, ध्यान देना, सामने बात करेंगे अपन एक एक करके चीजों की, राइट। फिलहाल मुझे ये बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? क्या एक बैंक आपको ऐसा बोल सकती है कि डील डन भाई, बट तुम्हें जो हमारे पास से लेना है उससे ज्यादा तुम्हें हमें वापस देना पड़ेगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लीगल है? क्या लगता है आपको इस बारे में? पता होगा, शायद आपको सुना होगा कहीं, खास करके जो 11th-12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, राइट। हाउएवर ये चीज हमने स्कूल लाइफ में भी देखी है, 8th, 9th, 10th में भी देखी हुई है, राइट। इंटरेस्ट लगेगा, यस बोल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, मुझे फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हो, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से है? जो साइंस बैकग्राउंड से है सिर्फ वही डालना कि साइंस सर, आई एम फ्रॉम साइंस, ऐसा। जो साइंस बैकग्राउंड से है वही लोग रिप्लाई करो। बताओ मुझे कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं यहाँ पे? कॉमर्स वाले रिप्लाई मत करो 2 मिनट के लिए, जितने साइंस वाले हैं सिर्फ चैट बॉक्स में फटाफट डाल दो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो। बोलो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पे? निकिता, विशाल, ओके, प्राप्ति, नंदिनी, आवाज आ रहा है आप लोगों को? आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं, ओके ओके ग्रेट, ठीक है चलो। ईशा सेज शी इज फ्रॉम साइंस, हरिदास, अरे हरिदास अपन ही तो बात हुई है, ओके, जावेद खान, गुलू कुमार, पीयूष, कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। आप में से जो साइंस बैकग्राउंड से, ध्यान देना, मैं जो भी अभी स्टोरी बता रहा हूं या जो मैं आज सब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और आगे के लेक्चर्स में भी हो सकता है साइंस बैकग्राउंड वालों को कुछ चीजें ऐसी हो जो पता ना हो, अपन उसको कवर करेंगे, आपने सिर्फ सबर रखना है, राइट। लेट मी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट, देन आई विल बी कवरिंग इट इन डिटेल ऑल्सो, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सर हमारे पास मैथ्स नहीं था सर 11th-12th में, आपके लिए स्पेसिफिकली प्रॉपर अनाउंसमेंट है जो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान ही बताऊंगा, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है चलो ग्रेट। काफी स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के। चलो आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे वापस। तो मुझे बताओ, जब पप्पू गया यहाँ पे बैंक के पास 5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो बैंक ने बोला डील डन, मोटा भाई बोले डील डन, बट तू लेगा 5 लाख, तू देते समय देगा 7.5 लाख। आप लोग बोल रहे हो हाँ ये सही है, ये चल जाएगा, करेक्ट राइट, ये सही है, ये चल जाएगा, ऐसे आप बोल रहे हो, राइट। आओ देखते हैं, डील तो डन हो गई, राइट, सिंपल चीज, डील डन हो गई या नहीं ये हम देखेंगे, बट यार मोटा भाई तो बोलेंगे यार हमने तो कमा लिया 2.5 लाख रुपए कमा लिया यार बैठे बैठे यहाँ पे, और पप्पू तो शौक हो गया, बोले यार मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने सोचा आप मुझे हेल्प करोगे, आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे मैं आपको वापस दे दूंगा, आप तो बोल रहे हो 7.5 लाख रुपए वापस देने हैं, तो ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है, राइट। ये वाली क्या चीज है मुझे बताओ, एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रही है बैंक यहाँ पे, बैंक यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रही है? सिंपली स्पीकिंग बैंक इज चार्जिंग ओवर हियर नथिंग बट 7.5 लाख रुपीस जो आप देने वाले हो वापस और जो आप ले रहे हो, यानी कि 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, राइट। कितना? 2.5 लाख रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। क्या ये 2.5 लाख वैलिड है? आपको ऐसा नहीं लगता ये अमाउंट ज्यादा है? क्या आपको ऐसा लगता है ये अमाउंट ज्यादा है? मतलब 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसका 50%, 50% मुझे ज्यादा देना पड़ेगा जब मैं वापस लोन को रीपे करूंगा। नो डाउट 5 साल की ड्यूरेशन है, बट स्टिल इतना 2.5 लाख रुपए, चलो तुम 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, लाख रुपए ले लो, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए चलेगा, यस। या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई लिमिट होगी कि नहीं इतना ही तुम चार्ज कर सकते हो या इतना ही तुम चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर तुम चार्ज नहीं कर सकते हो? या अगेन इट विल डिपेंड फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड कस्टमर टू कस्टमर। ये टोटली काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की आज ही, बट लेट मी टेल यू गाइस इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बैंक एंड द कस्टमर आल्सो। कस्टमर की प्रोफाइल कितनी है, वो कितना कमा रहा है, उसके पास एसेट है क्या, तो लिमिट नहीं है एज सच देखा जाए तो। रेफरेंस लिमिट्स होती है, राइट। इसके बारे में आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स में डिटेल में वो चीज कवर की जाएगी, डू नॉट वरी, राइट। तो इंटरेस्ट लगभग अगर हम देखेंगे 2.5 लाख 5 साल के लिए, मतलब 50,000 का इंटरेस्ट जा रहा है पर ईयर। कितना जा रहा है इंटरेस्ट? 50,000 का जा रहा है पर ईयर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, राइट। अब ध्यान देना आगे, इंटरेस्ट रेट इज सेट बाय आरबीआई, करेक्ट? यस कार्तिक, ध्यान देना आगे। मैं कोई चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जो 5 लाख रुपए हमने लिए हैं, कितने लिए हमने? 5 लाख रुपए ले लिए। इस 5 लाख को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं, कॉलेज वाली प्रिंसिपल नहीं, जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, वो वाले प्रिंसिपल्स नहीं, ये अमाउंट वाला प्रिंसिपल है। जो 5 लाख रुपए हम लेते हैं वहां से, वो बेसिक इनिशियल अमाउंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। इसके बाद दूसरी जो चीज हमने यहाँ पे देखी वो है इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने यू कैन से अमाउंट में दिया हुआ है, हालांकि इंटरेस्ट का रेट दिया जाता है आपको 10% पर एनम। हम आज ही देखने वाले हैं उन चीजों को, मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए आपको जस्ट बताया हुआ है। नेक्स्ट, कितने पीरियड के लिए आपको लोन दिया जा रहा है, यानी कि आप हमारे पास से लोन लो, एज अ बैंक मैं बोल रहा हूँ, और आप हमको वापस से पैसा दे दो। ये कितने पीरियड के लिए लिया जाता है? इट कैन बी 1 ईयर, 2 ईयर, 1 डे, 2 डेज, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, जो भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट चीज जो है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट, कितना अमाउंट मुझे वापस देना है, इसको हम बैलेंस, एक्यूमुलेटेड बैलेंस या अमाउंट बोलते हैं, जो है 7.5 लाख रुपए। सर हमें कुछ लिखना है क्या जो आप बता रहे हो उसमें से? नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब क्या क्या लिखना है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सामने ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि एक इंसान है जो बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए। बैंक ने बोला लोन तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 5 लाख के लिए 7.5 लाख रुपए देना वापस से 5 साल बाद, राइट। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है? 50,000 रुपीज पर ईयर। ये चीज क्या है? ये चीज को ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? ये चीज क्या है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये देखो मैंने नीचे कैलकुलेशन भी बता दिया है आपको। कार्तिक पूछ रहा है सर कैलकुलेटर कौन सा यूज करना है कैलकुलेशन के लिए? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा यार, रुको 5 मिनट रुको, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट किया है, वहां ध्यान दो ना, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है, क्या मुझे कोई बता सकता है, सभी लाइव स्टूडेंट्स को मैं ये चीज पूछ रहा हूं, ये जो बैंक है, हमने तो ये समझ लिया कि इंटरेस्ट ले रही है, सही है, लीगल है, लिमिट हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट मुझे बताओ ये इंटरेस्ट किस बात का? ये इतना पैसा जो बैंक हमसे ले रही है, ये एक टाइप का चार्ज ही हुआ ना हमारे पास से, ये चार्ज, ये फीस, ये इंटरेस्ट किस चीज के लिए? वाई आर यू पेइंग इंटरेस्ट? वाई आर यू पेइंग इंटरेस्ट? पप्पू ने पूछा बैंक में, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम कांग्रेस? नहीं, वो बात नहीं है, जोक सपाट। क्यों? वाई इंटरेस्ट? व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटरेस्ट? अरे गांव वालों, जो लड़के दिख रहे हैं फोटो छोड़ो, मेरे को आंसर दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ, वाई इंटरेस्ट? हाँ, इमेज चेंज कर दूंगा मैं, नहीं तो बोलो। फॉर लेंडिंग लोन्स फॉर द टाइम पीरियड, सर बैंक कैन अर्न थ्रू लेंडिंग, मतलब बैंक का ये बिजनेस है बेसिकली, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो आप। सिक्योरिटी, बिकॉज टाइम इज मनी, ओके। इंटरेस्ट जो है ये बैंक की इनकम है। अरे बट मुझसे ही क्यों इतना इनकम लेना है? क्या ये सबसे लिया जाता है? टू कंडक्ट इट्स वर्क सेज संजय, ओके। याशी बोल रही है स्पीड, बेटा मैं समझा नहीं आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। इन्फ्लेशन भी 7% है और अपना बैंक अपना प्रॉफिट भी कमाएगा, मतलब जो पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसी कुछ बात बोल रहे हो आप, राइट। जो लोग भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्लाई दे रहे हैं, राइट। प्रणव बोल रहा है सोर्स ऑफ इनकम, अरे ठीक है सोर्स ऑफ इनकम, बट इंटरेस्ट इतना कुछ तो रीजंस होंगे ना, इनकम है पता है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, ओके। सूरजादीप सेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक बहुत बड़ी बात कर दी यहां पे इंसान ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। विशाल सेज दे विल हैव टू गिव इट टू द डिपॉजिटर, विशाल बोलता है दे विल हैव टू गिव इट टू द डिपॉजिटर, ओके। अच्छा, जो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हो, क्या मुझे कोई समझा सकता है इस वर्ड की मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या होता है ये? बैंक अपना मनी या पैसा रेंट पे दे रही है, तो पैसा तो लेंगी ना वो उसके पास, ओके ठीक है। इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कितना लोन लिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप कभी बैंक गए हो? आया ना, जिंदगी में एक बार तो भी गए होंगे बैंक में, अपने मॉम डैडी के साथ, खुद के काम से, भाई बहन के साथ, कोई दोस्त के साथ, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, बैंक में अगर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, बाकी लोगों की बात छोड़ते हैं, हम दो ही लोगों की बात करते हैं, एक जो पैसा डालने जा रहा है, एक जो पैसा निकालने जा रहा है। मैं अपने अकाउंट से विड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोन की बात कर रहा हूँ। तो एक इंसान ऐसा होगा जो वहां जाएगा और अपनी करोड़ों रुपए जो कमाए हुए हैं ये बैंक में सेफ डिपॉजिट में डालेगा, राइट, बैंक में सेफ डिपॉजिट में डालेगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे पप्पू। तो पप्पू जाएगा बैंक में और वहां से पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, बट उसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, हमने देखा सेविंग नहीं है, तो बैंक से पैसा मांग रहा है कि यार तुम्हारे अकाउंट से मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। उसकी हमने डील देखी ना मोटा भाई के साथ। तो ये जो अमाउंट हम बैंक से मांग रहे हैं ये क्या है, लोन। अब ये जो साइकिल है पूरी बैंक की, जो पूरी की पूरी साइकिल है बैंक की, कैसे चलती है। समझो मेरे पास पैसा है, हम सभी के पास पैसा है, हम सब लोगों ने हर महीने समझो 1000 रुपए सेव किए, 1000 रुपए सेव किए, सपोज अज्यूम हम सब लोग जाके 1000 रुपए बैंक में डाल रहे हैं, राइट, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए जमा हो गए बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है तुमने हमको पैसा दिया है, हम तुम्हारा पैसा यूज कर रहे हैं, सो वी विल पे यू इंटरेस्ट, हम तुम्हें कुछ इंटरेस्ट देंगे। तो आप एक काम करो, आप 1000 रुपए हर महीने डाल दो, 12 महीने के 12000 रुपए हो गए, आप 12 महीने के बाद आके 13000 रुपए लेके जाओ, 1000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज यू आर अलाउिंग अस टू कीप योर मनी विथ अस, आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपको हम इस पैसे से कमा के देंगे कुछ, राइट, ठीक है, सिंपल चीज है। नाउ नंबर टू, जो इंसान वहां से पैसा लेने जा रहा है जो पप्पू है, तो पप्पू जब बैंक में जाता है तो बैंक क्या करेंगी, अपने पॉकेट से तो नहीं निकालेंगी। मतलब बैंक ने क्या किया है, मेरे पास से पैसा लिया, अपन सबके पास से पैसा लिया, वो अपने एक पॉकेट में डाल दिया, दूसरे पॉकेट से पैसा निकाला और दे दिया पप्पू को, या पप्पू जैसे बाकी लोगों को जो लोन लेते हैं, राइट, जिनके पास खुद का पैसा नहीं होता, जो लोन लेते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे बात समझना, इन लोगों के पास से अब वो लोग हमारा पैसा यूज कर रहे हैं, तो उनके पास से तुम इंटरेस्ट चार्ज कर लो। सपोज पप्पू ने बोला हर महीने मेरे को 1-1 हजार रुपए दे देना, 12 महीने के 12000 रुपए हो गए, उसके बाद अगले महीने में 13वें महीने में 13th मंथ में आई विल पे यू 15000 रुपीज, या ये डील हुई है जो भी, राइट। तो ये 15000 रुपीज हो गए, बैंक ने कितना कमाया, बैंक के पास 5000 रुपीज एडिशनल आ गए, कितने, 5000 रुपए बेटा एडिशनल आ गए बैंक के पास। बैंक ने कितने दिए थे उसको, नहीं 3000 रुपए, सॉरी 12000 दिए थे, 12 के 15 हो गए, तो 3000 रुपए एडिशनल आ गए। अब बैंक ने हमको कितना प्रॉमिस किया देने के लिए, 12 की जगह 13, राइट, मतलब बैंक ने 1000 रुपए हमको दे दिए, उसमें से बचे कितने, 2000 रुपए। ये क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट है, राइट। आई नो ये बहुत छोटी सी बात है, बट काफी स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होंगे जो लोगों ने बैंक नहीं विजिट की है। अभी तो चलो कोविड है, लॉकडाउन है, ये सब खुलते ही जरूर पहले बैंक विजिट करना, आपका अकाउंट बनाना, और कुछ नहीं तो भी उसमें 100 रुपए तो भी डाल सकते हो, 100 रुपए डालना और 100 रुपए निकाल के देखना क्या प्रोसेस होता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट ओनली नेट बैंकिंग की यार चलो पेटीएम से ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बैंक के बारे में चीज पता होना जरूरी है। अपने कोर्स का पार्ट ही समझ लो, अब जब आर्टिकलशिप चालू करोगे ना ये सब चीज आपको बहुत काम आएगी वहां पे, राइट, ये सब चीज आपको बहुत काम आएगी। डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे विशाल बोल रहा है मैं काफी बार जा चुका हूं तो आपको उतना एक्सपीरियंस होगा शायद इन ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। सबको कंसेप्ट समझा है बैंक का, जो बेसिक प्रोसेस होता है, पैसा कहां से आता है, बैंक क्या कमाती है, और बैंक पैसा कहां देती है, और वहां से किस तरीके से कमाती है, ये कंसेप्ट समझा है सबको, हाँ या ना। फटाफट जिंदगी के अंदर में चैट बॉक्स यूज करो, डालो यस और नो। अच्छा बताओ जरा तुम लोग कहां से हो, मतलब कौन से सिटी से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ मेरे साथ, कौन से सिटी से हो। एक तो खंडवा मैंने देख लिया, एक स्टूडेंट खंडवा की थी। मैं पुणे का हूं प्रॉपर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, मरूंगा भी शायद पुणे में ही, हाँ। बाकी के लोग बताओ, चलो ग्रेट, सबको कंसेप्ट तो समझ गया है। धनबाद, क्या बात है लक्ष्या, अरे मैंने सुना है इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन सिटी। संगमनेर, श्रेयस मेरे काफी दोस्त है। ओके, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बिहार, मांड्या, दिल्ली, अहमदाबाद, अकोला, बेलगम, नूरपुर, वर्धा। सर शॉर्टली फिर से एक्सप्लेन करो, बताता हूँ, डोंट वरी। दिल्ली, ओके, भरूच, अरे पुणे से भी लोग हैं यहाँ पे तो, अमरावती, फलटन, अरे मेरे को पढ़ने तो दो। राजस्थान, संजय कहाँ बेटा राजस्थान से, संगमनेर, शिरडी, ओके, अहमदनगर, अक्षरा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे लातूर से भी कोई तो था ना, आदित्य या कोई तो था आई गेस लातूर से, ओके यश, ओके। पाटन, गुजरात, बिहार, भरूच, पुणे, वडगांव शेरी, अजित, ओके जल्द ही मिलेंगे मतलब। जौनपुर, अब मिर्जापुर से भी है क्या नहीं कोई, अरे हिमांशु तू जयपुर का है क्या, ओके ओके ओके। नासिक से भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ओके, अलवर राजस्थान, अलवर में बहुत स्टूडेंट्स रह चुके हैं मेरे, खास करके बीसीआर सब्जेक्ट के लिए तो बहुत स्टूडेंट्स थे वहां पे। पीयूष, ओके, प्रदीप पंडरपुर, वाह। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देख लिया मैंने, समझ लिया कहाँ कहाँ से हो आप लोग, लगभग पूरे इंडिया के दर्शन हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। काश मैं लाइव वहाँ पे आके पढ़ा पाता आज के डेट पे, कोविड के अंदर में नहीं, बट कोविड नहीं होता तो शायद, राइट। चलो आते हैं कंसेप्ट में वापस। जो लोग चाहते हैं कि मैं समरी वापस से रिवाइज कर लूँ, ध्यान देना, जिनको नहीं पता था ना ये प्रोसेस आप शॉर्ट में लिख सकते हो अपने बुक में। बैंक क्या करती है, एक बैंक या फिर एक फाइनेंशियल कंपनी जो लोन देने का काम करती है, ये क्या करती है बेसिकली, समझो मैं एक डिपॉजिटर हूं बैंक का, मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरे पास कुछ सेविंग मेरी जो भी हुई, अब वैसे तो मैं गरीब हूं, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में, नोकिया 5522 है मेरे पास, 2500 रुपए का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो भी है 500-1000 रुपए जो भी बचते हैं महीने के, वो मैं आके डाल देता हूं अपना बैंक अकाउंट में। तो बैंक बोलती है ठीक है भाई, तेको इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देंगे। तो समझो मैंने 12,000 रुपए बैंक में डाल दिया, बैंक ने बोला तेको 13,000 रुपए दे देंगे, मतलब 1,000 मेरा फायदा हुआ बैंक में पैसे रखने का। घर पे नहीं रखूंगा मैं, घर पे अगर कबट में 12,000 रुपए रखता हूँ तो एक साल बाद निकालूंगा तो उसमें से एक हाथ नोट फटा हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं एक हाथ नोट एक्स्ट्रा दिखेगा वहां पे, राइट है, यहाँ जो नोट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, यस। और अगर मैं बात करता हूँ सिंपली स्पीकिंग, बैंक में रखता हूँ तो बैंक से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है, बैंक से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मैंने बैंक में जाकर पैसा रख दिया, बैंक ने मुझे 13,000 रुपए दे दिया, बाद में 1,000 का मुझे मुनाफा हुआ। अब बैंक ऐसे ही मुझे पैसा देगी क्या, नहीं, बैंक को भी तो कुछ इनकम होगी जरूर। तो बैंक ने क्या किया, ऐसे 12,000 रुपए मेरे लिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे ले लिए, और जिसको लोन चाहिए उनको ये पैसा दे दिया। रिस्क बैंक का है कि अगर जिसको लोन दिया है वो इस इंसान ने अगर बैंक को फिर से पैसे नहीं दिए तो बैंक मुझे ऐसा नहीं बोल सकती कि करण भाई हमको पैसा नहीं मिला तो हम तुमको वापस नहीं दे सकते, तुम भूल जाओ पैसे को, ऐसा नहीं हो सकता। ये बैंक का रिस्क है, बैंक की जिम्मेदारी है, मुझे तो बैंक को पैसा, मतलब बैंक ने मुझे तो पैसा देना ही है, क्योंकि मैंने तो पे किया, मेरा पैसा हुआ है, कमाया हुआ है, इतना पसीने का पैसा है पूरा, राइट, तो बैंक को तो पैसा देना है मुझे। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला ठीक है मैं लोन देता हूं मार्केट में, लोन से मुझे पैसा आएगा। तो जिसको 12,000 लोन दिया उसके पास से 15,000 रुपए लिए, 15,000 में से 2,000 खुद के पास रखे, 1,000 रुपए मुझे दे दिया, तो मेरा भी फायदा हुआ, मतलब मेरा फायदा होगा तो मैं बैंक को दूंगा ना पैसा रखने के लिए, और बैंक का फायदा होगा तब तो बैंक मुझे प्रॉफिट देंगी, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। चलो, अरे एप्पल के वॉच पे भी नजर जागी है तुम्हारी, अरे डुप्लीकेट है वो, नहीं, अच्छा चलो, एनी विच वेज कंसेप्ट क्लियर है जिनको समराइज करना था, राइट। इतना डिटेल में इंटरेस्ट का प्रोविजन कोई नहीं समझाएगा आपको, इतना डिटेल में जो प्रोविजन मैं समझा रहा हूं आपको एग्जांपल के थ्रू, ये कोई नहीं समझाएगा आपको, सच बोल रहा हूं मैं, आप देख सकते हो। चलो विजय माल्या, अरे मैं विजय माल्या नहीं हूं, हाँ मैं करण ही ठीक हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा। बात करते हैं वाई इंटरेस्ट। आप लोगों ने काफी चीजें मुझे बताई है, इंटरेस्ट क्यों, राइट, काफी बच्चों ने मुझे यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ कि सर इंटरेस्ट क्यों, राइट, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं अभी, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काफी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ रहा था सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान देना ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा चैप्टर का। हम जो भी चैप्टर देख रहे हैं मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ गया होगा काफी लोगों को कि कौन सा चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा सब चीजें, मैं लिखवा के भी दूंगा, पहले ध्यान दो, समझो चीज को। व्हाई डू बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट, देयर आर 4 मेन रीजंस। रीजंस तो वैसे बहुत सारी है बट 4 मेन रीजंस है यहाँ पे, 4 मेन रीजंस है, राइट, 4 मेन रीजंस है यहाँ पे। पहली रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ध्यान देना, समझना एग्जाम्पल को। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में समझाता हूं पहले, फिर इस एग्जांपल पे आते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां तो 1 घंटा 1.5 घंटा, सपोज 2:30 बजे से 4 बजे तक एक न्यू वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसके पहले 2 एपिसोड देख लूं मैं, मिर्जापुर 2 के पहले 2 एपिसोड में देख लूं, राइट, मुन्ना भाई त्रिपाठी पहले 2 एपिसोड में जाके देख लूं, या फिर मैं करण सर का मैथमेटिक्स का लेक्चर अटेंड करूं ताकि मुझे नॉलेज मिले, ये नॉलेज रोज काम आएगा और मैं इससे आगे जाके पैसे कमाऊंगा सीए बनने बाद, राइट। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई चूज करेगा मिर्जापुर 2, कोई चूज करेगा लेक्चर देखता हूं जाके, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, पर्पस टू पर्पस, सिंपल चीज है, लोकी की बात कर लो जो भी, ठीक है। चलो, सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये चीज डिसाइड होगी। अब उसी वे में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान बोलेगा 1 घंटा काम कर लूं 20 रुपए कमा लूं, ठीक है, 1 घंटा काम करता हूं 20 रुपए कमाता हूं। दूसरा इंसान बोलेगा नहीं काम बहुत हो गया आज ना मस्त पार्टी करनी है, फ्राइडे नाइट है, मस्त पार्टी करूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, सब करूंगा। राइट, पार्टी करने जाता हूं मैं। तो इसने पार्टी में मतलब इसने ये 20 रुपए तो छोड़ ही दिए, इसने ये 20 रुपए तो छोड़ ही दिए, बट ये 10 रुपए भी गवा दिए, मतलब 10 रुपए का खर्चा हो गया उल्टा। तो पैसे आने की अपॉर्चुनिटी थी, पैसे आ सकते थे, आए क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? काम नहीं किया। इसने क्या चूज किया? इसने चूज किया मैं जाऊंगा पार्टी करूंगा, उल्टा 10 रुपए जेब से निकाल के भर के आया वहां पे पार्टी में, जो भी चीज उसने परचेस की, एंट्री फी वगैरह जो भी व्हाट्सएवर। तो कमाया तो नहीं, उल्टा गवाया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ? 30 रुपए। ये अपॉर्चुनिटी इसने ली और ये अपॉर्चुनिटी इसने नहीं ली, तो ये न लेने का कितना कॉस्ट गया? ये न लेने का कॉस्ट गया 30 रुपए। सर कैसे? 10 रुपए तो तुमने गवा दिए और 20 जो तुम कमाने वाले थे वो तो तुमने कमाई नहीं, मतलब 20 जो नहीं कमाए वो तो तुम्हारा कॉस्ट हो गया ना, और जो 10 तुमने गवाए खुद से वो भी तुम्हारा कॉस्ट है। 20 + 10 30 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपली स्पीकिंग इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो तुम चूज करते हो उसका कॉस्ट जो तुमको लगता है, मतलब ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ये तुमने छोड़ दिया, इसके लिए तुमको ये बेस्ट लगा, इसके जगह पे तुम्हें ये बेस्ट लगा, शायद और किसको वो भी बेस्ट लग सकता है। एक रैशनल इंसान क्या बोलेगा? पहले 20 रुपए कमा लूं और फिर 10 रुपए खर्चा करूंगा, तो 10 रुपए बचेंगे, वो मैं फिर से अगले हफ्ते पार्टी करूंगा। बट इसने क्या सोचा? नहीं, ये तो बहुत कमा लिया, जाने दो इसको, मैं 10 रुपए खर्चा करता हूं। ठीक है, मैं 10 रुपए खर्चा करता हूं। तो ये फोरगो हो गया अपॉर्चुनिटी। फोरगो मतलब छोड़ दी अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने का कॉस्ट कितना है? 30 रुपए। सर कैसे यार? 20 रुपए ना, नहीं ना, 20 रुपए तो छोड़ दिया, उसके जगह पे तुमने क्या किया? तुमने 10 रुपए खर्चा किया। समझ रहे हो बात को? तो जो तुमने छोड़ दिया वो तो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, और जो चीज तुमने डाली पैसे में वो भी तो तुम्हारी गई। बराबर? हाँ या ना? अरे बोलो फटाफट, हाँ या ना? यस, होता है ना ऐसे स्कूल में काफी बार, काफी लोगों के ये एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, काफी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे। क्लास में से, स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कोई ऐसा लड़का लड़की पसंद आ गया, देख लिया, दोस्ती बढ़ा ली, और उसमें अभी टाइम डालना पड़ेगा ना यार, हर चीज को टाइम लगता है, राइट। तो समझोगे, पढ़ोगे उस बंदे बंदी को, तब तुम समझ पाओगे उसको, तब तुम उसको अपना एक्सप्रेस करोगे जाके चीजें जो भी है, और उसी के बाद जाके तुमको वहां पे कुछ भाव मिलने लगेगा। बराबर है? हाँ या ना? पर तुमको तो दूसरी भी पसंद आ गई। होता है बचपन में से काफी लोगों के साथ। मेरा एग्जांपल नहीं बोल रहा हूं मैं जनरल बात कर रहा हूं, तुम लोगों की शायद तुम्हारे एक्सपीरियंसेस होंगे ये। तो तुम जाते हो और तुमको ऐसा लगता है कि यार हाँ इसमें भी ध्यान देते हैं थोड़ा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? जो तुमको पसंद थी वो तो चली गई, मतलब उसमें तो तुमने टाइम ही नहीं डाला ना, और यहाँ पर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो जबकि वो पटने भी नहीं वाली है। तो ये भी गया वो भी गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? डबल। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? मतलब जिनको ये भाषा में समझा वो भी एटलीस्ट ठीक है, बट समझ लो चीज को, राइट। अरे हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस, प्राप्ति नंदिनी, आप अगर क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स यूज करना। कंसेप्ट क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर, नो? अरे बफर हो रहा था, अभी ठीक है। ओपी एग्जाम, अरे क्या तुम लोग, एक लेक्चर में ऐसा हो गया था, ऐसे कुछ तो एग्जांपल दिया मैंने एक हाथ इधर उधर, ओपी 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 चैट बॉक्स में, मतलब कुछ क्वेरी तो वगैरह छोड़ दो, दूर दूर तक सिर्फ ओपी 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 चालू था। मजे की बात ये मेरे को पता नहीं था ओपी क्या होता है उस टाइम पे, बाद में समझा कि अरे हाँ ये इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं आजकल। चलो, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक बेटा? हाँ या ना? सर समरी बताओ फिर से। ओके, मैं रिवाइज करवाता हूँ पूरा पॉइंट वापस से। सिंपल चीज है, सामने ध्यान देना। मैं फिर से बता रहा हूं जिनको नहीं समझा है, सिंपल चीज बता रहा हूं, सामने ध्यान देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि क्या? बैंकिंग के टर्म्स बताता हूं अभी, ठीक है? बैंकिंग के टर्म्स बताता हूं। बैंकिंग जो है, जो बैंक है, बैंक आपको जब पैसा देती है, नमो बैंक के मोटा भाई ने जब पप्पू के साथ डील किया कि मैं तुमको पैसा दूंगा 5 लाख रुपए, मुझे बताओ क्या ये 5 लाख रुपए पप्पू को न देते हुए ये बैंक ने केसी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में डाले होते? 5 लाख के 10 लाख भी हो सकते थे, बट रिस्क तो है ऑब्वियसली। कंपनी बढ़ेगी तो 10 लाख होंगे, कंपनी नहीं बढ़ी, डूब गई तो डूब भी सकता है। वैसे डूबेंगी नहीं अपनी कंपनी, बट एक बात मतलब जनरलिस्टिकली सो ऐसा हो सकता है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक अगर ये पैसा उसमें नहीं डाल रहा है जहां पे बैंक को शायद ज्यादा कमा सकता है बैंक, बट बैंक ने क्या किया? बैंक ने पप्पू को, जिसको जरूरत है पैसे की, उसको पैसा दे दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये जो 2.5 लाख रुपए लिए है ना, ये किस लिए लिए है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हुए है कि मैं मेरा पैसा कहीं नहीं डाल सकता हूं और वो पैसा मैं तुझे दे रहा हूं, इसलिए तू मुझे उसमें से कमा के दे, तो तू मुझे 2.5 लाख रुपए देगा। समझ रहे हो? तो आपने, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप क्या कर रहे हो? आप या तो कमा रहे हो 1 घंटा, या तो 1 घंटे की पार्टी कर रहे हो। अगर आप पार्टी करते हो 10 रुपए आप स्पेंड करोगे, अगर आप कमा रहे हो तो 20 रुपए आप कमाओगे। इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो जाएगा यहां से, राइट। आपने अगर ये चूज किया तो आप कितना कमाओगे, 20 रुपए, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो। बिकॉज इसके अलावा अगर आप पार्टी करते हैं, अगर यही दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तो शायद आप पैसा नहीं, मतलब पॉजिटिव ही है सब कुछ, बट आपने ये ऑप्शन चूज किया तो ये तो आपने गवा दिया, बट आप इसमें भी तो पैसा गवा ही रहे हो, गवा मतलब एक्सपेंड कर रहे हो। सो दिस प्लस दिस दोनों भी इंक्लूड करके आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, राइट। आई होप दी कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। सर हम लिख ले क्या? नहीं मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा। नंदिनी क्लियर है, समझ बेटा? यस क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? हाँ या ना? स्नैशिश विश्वास अभी नहीं बफर हो रहा है, अभी ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गई एक रीजन। सर ऐसे कितने रीजन है? ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम टॉप 4 रीजन को देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं दूसरी रीजन की बात करता हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जिंदगी के अंदर में, ध्यान देना। दूसरी रीजन जो मोटा भाई ने बोला पप्पू को, वो है इन्फ्लेशन। मोटा भाई बोले देख भाई तू आज 2025 में पैसा लेगा तो देगा कब? 2030 में पैसा देगा। तो ये 5 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? यहाँ चीजें सस्ती नहीं होंगी, सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है, राइट। आप आज जो चीज 55 रुपीज kg में परचेस करते हो, राइस को, 9 साल पहले आपके मॉम डैड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स उसी चीज को 30 रुपए में परचेस करते थे। आप अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे, उतने साल पहले वो लोग तो शायद 1 रुपए 2 रुपए किलो में राइस परचेस करते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है टाइम टू टाइम चीजों की कॉस्ट भी कम ज्यादा हो सकती है। नॉट कॉस्ट, वैल्यू। एक्चुअली देखा जाए तो, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वैल्यू की हम बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू होता है, राइट। नंदिनी आप एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो, आपको मैं दिख जाऊंगा प्रॉपरली। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे कि कोई चीज की वैल्यू पहले अलग थी, आज अलग है। मैं सिंपल एग्जांपल और एक देता हूँ। आपने एक फोन परचेस करना है, बात करते चलो आईफोन की, एप्पल फोन परचेस करना है। आपने एप्पल फोन अगर 2010 में परचेस किया हो तो जो तब आया था उसकी प्राइस शायद 1.5 लाख रुपए होगी, और अगर वही फोन 2015 में आप परचेस करोगे, 5 साल बाद वो थोड़ा सा आउटडेट हो जाएगा, कोई नया मॉडल आ जाएगा, तो इसी की प्राइस क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन। स्कूल का एडमिशन अगर मैं बात करूं, एक जमाने में 10,000 रुपए 5,000 रुपए में पूरा साल होता था, आज तो 60,000 भी मैंने कम लिखा है यहाँ पे, इससे ज्यादा भी हो सकता है आज के डेट पे। आपने सुने ही हैं इतने किस्से, राइट। सो ये चीज हो सकती है। मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो हर साल 12 to 15% से बढ़ता है ये, 12 to 15% से ये चीज बढ़ती है, राइट। सो अगेन मेडिकल कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक जमाना था जहां पे आप डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी लेने जाओगे वो 100 रुपए लेता था, आज एक जमाना है जहां पे वो 10,000 भी लेता है। क्या है? इन्फ्लेशन है। आपकी मनी की वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू आज अलग है, पहले अलग थी, कल जाने में अलग हो जाएगी। इन्फ्लेशन कॉस्ट सबको समझा है। तो पहला रीजन क्या था बच्चों? फटाफट बोलो, कमेंट बॉक्स यूज करो, पहला रीजन टाइप करो। हर इंसान टाइप करेगा, नहीं तो मैं यहां से निकाल दूंगा। गूगल सब डेटा देता है मुझे, तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, हर इंसान टाइप करेगा। पहला क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइप करो। दूसरा क्या था? इन्फ्लेशन, टाइप करो। स्पेलिंग भी सही चाहिए मुझे, बीसीआर पढ़ना है ना, बीसीआर में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, वो डिस्क्रिप्टिव है बेटा, ठीक है। चलो फटाफट समझा है क्या नहीं बता दो, और फटाफट से दोनों भी चीजें टाइप कर दो। जो भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव यहाँ YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको जो भी मैं समझा रहा हूं सब समझ रहा है, पूरा कंटेंट समझ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इससे बाकियों को हेल्प होगी देखने में, और कुछ नहीं है। वैसे मैं इतना बोलता नहीं हूं बट कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, दोनों कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस। किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? स्नेहा क्लियर आएगा पूर्ण? सोनिया ऑल गुड? यस, समझ रहा है सब कुछ? ग्रेट, सुपर्ब। इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करता हूं एक बार विशाल, डोंट वरी। अच्छा, मैं इन्फ्लेशन को फिर से रिवाइज करने के पहले एक इंपॉर्टेंट रूल बोलना चाहूंगा मेरे क्लास का। आपको शायद बाकी टीचर्स ने भी अपने अपने लेक्चर्स के क्लासेस के रूल्स बताए होंगे। सिंस मैथ्स इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, आपने, मैं जो रूल्स बोल रहा हूँ वो फॉलो करने हैं, राइट। 2-3 ही छोटे छोटे रूल्स हैं। पहला रूल है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका ध्यान, आपकी निगाह है सिर्फ स्क्रीन पे, मुझ पे और स्क्रीन पे जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज पे, और कुछ नहीं करना है। नो व्हाट्सएप बैकहेंड पे चलना है, नो टेलीग्राम बैकहेंड पे चलना है, फोन पे ईयरफोन में बात कर रहा हूँ बस वीडियो देख रहा हूँ, नहीं करनी है ये चीजें। मुझे गूगल से डेटा मिलता है, मुझे गूगल से डेटा मिलता है, डो नॉट वरी, राइट। सो सिर्फ सामने आपको लेक्चर पे ध्यान देना है, राइट। आपको बुक में भी कुछ लिखना है, सर मैं नोट कर रहा था, नहीं नहीं मत नोट करो, मैं वो इंसान हूं, मैं वो टीचर हूं जो नोट करने के लिए आपको अलग से टाइम देगा, हर जगह पे टाइम देगा, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। तो आपने, जब मैं समझा रहा हूँ कोई चीज, जब मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ सामने ध्यान दो, मतलब आपको सिर्फ सामने ध्यान देना है और कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 2, जब भी मैं आपको टाइम देता हूं, मेरी आदत यह है कि मैं आपको हर कंसेप्ट के बाद या फिर हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मैं टाइम दूंगा खुद से चीजों को देखने की, एक बार खुद से चीजों को लिखने की, नोट डाउन करने की, राइट। जहां पे मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए कि आप ये नोट डाउन करो, बट आपको लगता है कि मैंने ये नोट डाउन करना चाहिए, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर ये सेंटेंस गाइड करो ना, क्या लिखूं मैं, मुझे ये लिखना है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैं लिखने का भी टाइम दूंगा, पढ़ने का भी टाइम दूंगा, जब हम न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम दूंगा। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है, हर इंसान मुझे चैट बॉक्स में प्रॉमिस करेगा जो लाइव देख रहे हैं, आपको मुझसे प्रॉमिस ये करना है कि जो टाइम मैं आपको देने वाला हूं बीच में, ये पर्टिकुलर टाइम ने आपको यूज करना है उसी पर्टिकुलर चीज के लिए। सर ने 2 मिनट ब्रेक दी, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके साथ दिन भर बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस के टाइम पर नहीं, ठीक है। सो सामने, जब मैं पढ़ा रहा हूँ सामने ध्यान देना है, जब मैं टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, उतना टाइम उधर देना है। क्या होता है, मैं सिंपल एक्सपीरियंस मेरा शेयर करता हूँ। जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी टीचर के पास पढ़ता है, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ या कोई स्पेसिफिक टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर की बात कर रहा हूँ। जब टीचर समझाएगा ना, आपको सब समझने आएगा, बट जब आप खुद से पढ़ोगे ना, आपको पहला डाउट आएगा, दूसरा डाउट आएगा, तीसरा डाउट आएगा, चौथा डाउट आएगा, या आपको समझेगा कि भाई नहीं, अपन गधे नहीं समझा, सर को फिर से पूछना पड़ेगा, तो आप फिर से पूछोगे, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो ये चीज आपने फॉलो करनी है। इसके लिए क्लास में ही 99% चीजों को खुद से पढ़ने का टाइम में देता हूं, इसीलिए ये डिटेल्ड रेगुलर बैच है। ये एक बार चालू होगी तो हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो ये यहीं पे पूरा होने वाला है, आपको यहीं पे पूरी चीज पे ध्यान देना है। तो ये प्रॉमिस प्लीज जिन्होंने नहीं किया है कर लो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स का। नंबर 3, जो मैं बोलूंगा, बीट होमवर्क, बीट क्लास वर्क, बीट क्लास प्रैक्टिस, बीट व्हाटसोएवर, आपने उसको फॉलो करना है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। टेस्ट टाइम टू टाइम देनी है। मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करो, बट नए नए गलतियां करो, हर बार वही रिपीट मत करो। चैट बॉक्स में आंसर देना है, डिस्कशन करना है, इंटरेक्शन करना है, कीप इट टू वे। इससे मुझे हेल्प नहीं होगी, इससे आपको हेल्प होगी चीजें समझने में। गलतियां अभी करो ताकि मैं करेक्ट कर सकूं, ताकि एग्जाम में उसको आप रिपीट ना करो। अगर मैंने यहाँ पे करेक्ट नहीं की और आपने एग्जाम में गलती की, तो वहां कोई नहीं आएगा करेक्ट करने के लिए, समझ रहे हो। ऐसे ही सीए डे आएंगे, सीए डे निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहोगे, वो नहीं करना है। तो गलतियां करनी है। रादर आई वुड सजेस्ट यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट। 0 मिलाना क्लास टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क मिलाना 50 में से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ पे 0 मिलना सही है या एग्जाम में जाके 0 मिलना सही है? ऑब्वियसली ईच एंड एवरीवन जो रैशनल इंसान है वो बोलेगा कि यार सर यहाँ 0 मिलाना तो चलेगा, एग्जाम में नहीं मिलना चाहिए। बस उसी चीज को फॉलो करना है, इसके लिए वो करना पड़ेगा जो भी सब मैं आपको बोलने वाला हूँ, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। आपको करना है, दिक्कत जो आएंगी वो बतानी है, ताकि मैं आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, समझ रहे हो। सर आर दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथ्स ऑल्सो? ये मैथ्स ही है, मैं सब मैथ्स के बारे में ही बता रहा हूँ, और जो रूल्स मैं बता रहा हूँ ये सब बीसीआर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं ऐसा कुछ टाइम पर स्टोरी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसका पहला कंसेप्ट देख चुके हैं, पहले कंसेप्ट को हम नोट डाउन करेंगे अभी, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये प्रॉमिस आप मुझसे और अपने आप से करो, इसमें आपकी भलाई है। मुझे क्या, मैं तो सीए बन गया हूँ, अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, मस्त अपनी मजे कर रहा हूँ जिंदगी में, बराबर, हाँ या ना। तुमको भी सीए बनना है, आना है, हमारे जैसे मजे करने हैं, राइट। बहुत ज्यादा स्कोप है सीए बनने बाद, उस पर भी कभी बात करेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कंसेप्ट समझा है सबको, ठीक है, चलो डन। अटेंटिव रहो क्लास में, अटेंडेंस कंपल्सरी, अपने आप को प्रॉमिस करो रोज का रोज अटेंड करो क्लासेस को, मिस मत करना। अगर कोई रीजन से मिस हो जाता है, कभी कभी होता है ना, फैमिली इमरजेंसी कोई आ गई या अपनी तबीयत वगैरह खराब हो गई, बाय गॉड्स ग्रेस कुछ होना नहीं चाहिए, बट टाइम्स ऐसे चल रहे हैं। किसी के शादी में जाना है तो क्लास मिस मत करो, नहीं तो तुम्हारी शादी लेट होगी। तुम अगर किसी के शादी में जाओगे तो तुम्हारी शादी लेट होगी, याद रखना। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तुम तुम्हारी शादी में भी टाइम पे जाओगे, ये भी सब करोगे, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम दूसरों के शादी में जाओगे, तुम्हारा कंटेंट मिस करके तुम सीए लेट बनोगे, तुम्हारी शादी लेट होगी, तुमको करनी है ना जल्दी शादी, तो सामने ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो नंबर 2 जो था इन्फ्लेशन था। मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला है फिर से एक बार समराइज करने के लिए, मैं क्विकली समराइज करता हूं, ध्यान देना सामने। इन्फ्लेशन सिंपली चीज पहले एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगी। एक जमाने में उतनी ही चीज कम पैसे में मिला करती थी, 10 रुपए में मुझे सपोज एक जमाने में ये माउस मिल जाता था, आज कितने में मिलता है, सपोज 1200 में मिलता है, कल जाके शायद वापस ये 1000 रुपए में मिल जाए, तो इसकी वैल्यू कम भी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, यही है इन्फ्लेशन। तो जब बैंक, जब मोटा भाई पप्पू को लोन देंगे तो इस लोन का पैसा जब वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो उस डेट पे उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, बट किसको पता आगे जाके कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए या उसकी वैल्यू कम हो जाए। बढ़ गई तो मोटा भाई को फायदा है, बट कम हो गई तो यूजुअली मनी की वैल्यू कम होती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मनी की वैल्यू कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, परचेसिंग पावर कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मनी की वैल्यू कम होगी। तो मनी की वैल्यू अगर कम होती है तो मोटा भाई का नुकसान हुआ ना, अगर अपन ने उसको 5 लाख रुपए दिए तो वो कंपेंसेट करने के लिए अपन ने उसको 7.5 लाख रुपए दिए हैं। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस, मजा आ रहा है क्लास में? समझ पा रहे हो सब? स्पीड ठीक ठाक है क्या? सिंस लेक्चर का पहला दिन है तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं स्टूडेंट्स को पूछना कि यार आपको स्पीड वगैरह सब समझ रही है क्या, बिकॉज बैच टू बैच डिफर करता है, राइट। स्पीड समझ रही है? मजा आ रहा है क्लास में? यस। मेरे ख्याल से नींद तो किसको भी नहीं आ रही होगी। हाँ? अच्छा, कुछ 55-60 स्टूडेंट्स ने ही लाइक किया है, लोग देख रहे हैं 100 यहाँ पे, तो बाकी लोगों को समझा नहीं कुछ भी, मतलब मैं क्या अज्यूम करूं, ऐसा पूछ रहा हूं। डिफ्लेशन मतलब उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा जो है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। जब हम एक्चुअल में इन्फ्लेशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना इस चैप्टर में, मे बी इस हफ्ते भर में, तब मैं आपको डिफ्लेशन भी बता दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। अभी बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। क्या दिख रहा है? तो नल में से पानी निकाल, पैसा निकाल रहा है। हमारे नल में से तो पानी निकलता है, ऐसा भी होता है? मुझे बताओ कहाँ है ये, मैं जाता हूँ पैसा निकालने, होता है ऐसा? इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी ये वर्ड जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इनको शायद पता होगा, साइंस वालों को लिक्विड मतलब वो सॉलिड लिक्विड, गैस वाला लिक्विड पता होगा, बराबर, पानी इज लिक्विड वो वाला पता होगा, हम वो लिक्विड की बात नहीं कर रहे। कॉमर्स में जब मैं लिक्विडिटी बोलता हूँ, अकाउंट्स में डिटेल में होगा, ध्यान देना मैं समझा रहा हूँ आपको। जब मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ, लिक्विड मतलब क्या, जिसको आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अब ये मेरा फोन है, ठीक है, अब बोलोगे तुम आईफोन है सर, वापस तुम गरीब हो, अरे नोकिया है वो, अरे नोकिया है वो, चलो अब ये मेरा फोन है, राइट, दिस इज माय फोन। मुझे बताओ, मुझे आज अभी ताबड़तोब 10,000 रुपए की जरूरत है, अज्यूमिंग इसकी वैल्यू 10,000 मिल जाएंगी मुझे। मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट में इसको बेच दिया, मुझे पैसा ताबड़तोब मिल गया। इसका मतलब क्या, मैं मार्केट में गया, मैंने पैसा इसको बेच दिया, मुझे पैसा तुरंत मिल गया। इसका मतलब दिस इज एन एसेट फॉर मी, ये मैं यूज करता था ना, ये मेरा एसेट है, इसको मैंने कैश में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो स्टूडियो है जहां मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्टूडियो मेरा ही है, आई एम दी ओनर ऑफ दिस स्टूडियो, ये स्टूडियो मुझे बेचना है, अज्यूमिंग आई एम दी ओनर ऑफ दिस स्टूडियो, ये स्टूडियो मुझे बेचना है, ये ऑफिस, ये जगह मुझे बेचनी है। क्या ये तुरंत मैं मार्केट में मेरा घर लेके जाऊंगा, मार्केट में मेरा स्टूडियो लेके जाऊंगा मार्केट में और बेच दूंगा और मुझे पैसा मिलेगा क्या? नहीं, ये लिक्विड नहीं है। मोबाइल वॉज हाईली लिक्विड, मार्केट में गए, तुरंत बेचा, तुरंत पैसा ले लिया। क्या मेरा घर, मेरा बिल्डिंग, मेरी लैंड, मेरा ऑफिस, मेरा स्टूडियो, ये लिक्विड है क्या? उतना लिक्विड है, मतलब पैसा मिल सकता है, बट ये उतना लिक्विड नहीं है। इसमें मुझे इंसान जिसको परचेस करना है उसको ढूंढने में टाइम जा सकता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ सकती है, फिर पैसा मेरे बैंक में आएगा, फिर मैं कैश निकालूंगा वहां से, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो अगर मोटा भाई के पास नमो बैंक में समझो उनके पास जो 5 लाख रुपए की हमने बात की वो पड़े हैं, तो वो कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, उनके पास कैश हाथ में पड़ी है। अगर उन्होंने पप्पू को 5 साल के लिए लोन दे दिया तो क्या मोटा भाई 2 साल के बाद जाके बोल सकता पप्पू यार पैसा मांगता, दे देना, पैसा दे? नहीं बोल सकता वो, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने एग्रीमेंट की है कि मैं 5 साल तक तुम्हारे पास से पैसा नहीं मांगूंगा, तुमने अगर देना है मुझे तो दे देना, मैं नहीं मांगूंगा, मैं तुमको 5 साल के लिए दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? मैं तुमको 5 साल के लिए पैसा दे रहा हूं, तो तुम उससे पहले मुझसे नहीं मांग सकते, इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो मोटा भाई बोलेगा ना यार देख, मैं तेरे से 5 साल के पहले पैसा मांग भी नहीं सकता, मेरा पैसा है बट मैं मांग नहीं सकता बिकॉज मैंने तुझे दिया हुआ है, लिक्विडिटी नहीं है उसकी, मैं मांग नहीं सकता। तो इस लिक्विडिटी के बदले में तू मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे। और ये 2.5 लाख जो हमने देखे ना इंटरेस्ट के, उसमें ये कंपोनेंट भी आता है, उसमें ये कंपोनेंट भी आता है। तो पहला क्या देखा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा क्या देखा? इन्फ्लेशन। तीसरा क्या देखा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कंसेप्ट सबको समझा है? फटाफट हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। फटाफट बोलो, सबको समझी ये बात? यस और नो बेटा। कंसेप्ट समझा है सबको यहां तक? हाँ या ना? क्लियर है चीजें? यस। नंदिनी आपका रिप्लाई नहीं आया, प्राप्ति ने तो हाँ बोल दिया। चलो ग्रेट, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक पूरा? सर वंस मोर बताओ। गोलू जी भी कह रहे हैं कि नहीं समझा सर। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, आई एम टॉकिंग अगेन। अगर ये जो है मेरा फोन है, तुरंत मुझे पैसे की जरूरत है, ये फोन मैं गया मार्केट में लेके गया मोबाइल वाले के पास, उसको मैंने बोला भाई ले ले, मेरे को पैसे की जरूरत है, फटाफट पैसा दे दे। उसने बोला ठीक है सर ये देके जाओ, आप 10,000 ले लो, इसका कीमत 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 रुपये मुझे मिल गए। क्या मैं इसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर पाया? जी हाँ। ये है लिक्विड एसेट, हाईली लिक्विड एसेट, इसका लिक्विडिटी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, तुरंत कन्वर्ट हो गया। बट अगर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं गया मार्केट में और मैंने अनाउंस किया मेरा एक ऑफिस है उसकी 1 लाख रुपए की कीमत है, प्लीज फटाफट ले लो, 1 लाख रुपए मुझे दे दो। क्या आपको लगता है कोई भी तुरंत आएगा दे देगा मेरे को 1 लाख रुपए और मेरा ऑफिस आके लेके जाएगा? नहीं, वो आएगा, ऑफिस देखेगा, टाइम डालेगा, 10 लोगों से बात करेगा, नेगोशिएट करेगा, प्रोसीजर कंप्लीट करेगा लीगली, फिर मैं ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर सकता हूँ। तो इसमें प्रॉपर्टी हाईली लिक्विड? नो, इट कैन बी लिक्विड बट टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में। तो इमीडिएट पैसा मिल सकता है क्या? नहीं। दी सेम मैनर मोटा बाई के पास जो 5 लाख रुपए थे, वो मोटा बाई ने 5 लाख रुपए किसको दे दिए? वो मोटा बाई ने 5 लाख रुपए पप्पू को दे दिए। पप्पू को क्या बोला? 5 साल तक पैसा तेरा, 5 साल के बाद 7.5 लाख रुपए देने हैं। तो मुझे बताओ क्या ये पैसा मोटा बाई यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। पैसा किसका है? मोटा बाई का है। क्या मोटा बाई यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज उसने लोन पे दिया हुआ है, मोटा बाई ने पैसा लोन पे दिया हुआ, तो मोटा बाई ये पैसा नहीं यूज कर सकते हैं। भले पैसा उनका ही है बट वो नहीं यूज कर सकते हैं, इसी की वजह से वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये इंटरेस्ट हो सकता है पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, दूसरा इन्फ्लेशन के लिए, या तीसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए भी। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। इफ आई पे बिफोर 5 ईयर देन? यस बेटा विशाल, देन देयर इज अ चेंज इन इंटरेस्ट, अमाउंट चेंज होता है। अगेन ये डिपेंड करता है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अर्ली विड्रॉवल पेनल्टी, जो आप बीसीके में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे भी हम बात करेंगे, एक बार चैप्टर को आगे बढ़ा दिया उसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से? हाँ या ना? एक और पॉइंट नंबर 4, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? सोचो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सिंपल चीज, सामने देखना क्या दिख रहा है आपको सामने? जेब खाली है, पैसा नहीं है। तो अज्यूम करते हैं मोटा बाई ने नमो बैंक से 5 लाख रुपए निकाल के पप्पू को दे दिए, अब ये जो पप्पू है ये बैंक करप्ट हो गया। करप्ट नहीं बाबा, बैंक करप्ट। तुमको करप्ट की आदत है सुनने की, बैंक करप्ट बोल रहा हूं मैं। बैंक करप्ट हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, मतलब इसके एसेट की वैल्यू कम है और इसकी लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। इसके पास पैसा नहीं है, गरीब हो गया ये आदमी, इनसॉल्वेंट हो गया, इसके पास पैसा है ही नहीं कुछ भी देने के लिए। अब क्या? तो मोटा बाई का तो नुकसान हो गया ना, कैसे? मोटा बाई कहां से पैसा लेके आएंगे इसके पास से? वसूली कर ही नहीं सकते। मोटा बाई ने वसूली भाई को बेच दिया, भाई तुम गुलबाल में थे, तुम जाओ यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा लेके आ जाओ, हमारा वसूली करवा के दो। वसूली भाई ने बोला नहीं भाई उसके पास तो पैसा ही नहीं, उसकी जेब खाली है, हम पैसा नहीं ला सकते। क्या मोटा बाई का, क्या नमो बैंक का यहाँ पे नुकसान हुआ? 101% नुकसान हुआ, राइट है। तो इसका ये रिस्क है ना, भी अल्टीमेटली रिस्क लेनी पड़ेगी। हम सीए कर रहे हैं, रिस्क है या नहीं है? रिस्क है, हर चीज में रिस्क होता है, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? कहीं छोटा कहीं बड़ा, कोई इंसान कितनी रिस्क ले सकता है ये उसके पूरे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करती है चीज। सो नमो ने या नमो बैंक ने या मोटा भाई ने बोला कि ठीक है अपन रिस्क लेंगे, तुमको 5 लाख रुपए दे देंगे बट तुम इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट में मैं इसका अमाउंट चार्ज कर दूंगा कि मैं जो रिस्क ले रहा हूं उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए ना, रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए। और वही है आपका यहां पे जो हमने बात की, कौन सी? बैंकरप्सी की या रिस्क फैक्टर की। कंसेप्ट क्लियर है सबको? पहला कौन सा था बच्चों बोलो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा कौन सा था? इन्फ्लेशन है। तीसरा कौन सा था? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फोर्थ कौन सा है? रिस्क फैक्टर। रिस्क है तो इश्क है। सही बात है, बराबर है। ये सिमांशु, चलो कुशल बेटा थैंक यू सो मच, सेम टू यू बेटा। चलो कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ या ना? नोटबुक्स को ओपन करना है। पैसे नहीं दे रहा हूं, नोटबुक ओपन करो। सर पैसे तो लेके आते हैं। नोटबुक ओपन करो, जो भी बनाई है। नहीं बनाई है तो भी पेपर पे लिखो, कंप्यूटर पे कोई नहीं लिखेगा। नोटबुक बनाई नहीं है, आज के आज बनाओगे नोटबुक। सर कितने पेजेस की बनाए वो भी बताऊंगा। अभी पहले जो भी पेपर, बुक, पेन जो भी है सामने लो। सर 2 मिनट रुको ना, मैं पेन ढूंढ के आता हूँ, कहीं तो दूसरे के घर पे रख के आया था मैं। पेन पेंसिल जो भी होंगे निकालो, नखरे मत करो, कुछ लिखवा रहा हूँ मैं। टाइटल देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेट पेज नंबर जो भी तुमको डेकोरेशन करना है कर लो। टाइटल देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, शॉर्ट में हम इसको प्यार से TVM बोलेंगे। हर बार अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं बोलेंगे, TVM बोलेंगे। या लिखते समय TVM लिखेंगे हम, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला कंसेप्ट, टॉपिक नंबर 1 डालना, उस पर रोमन नंबर 1 डाल सकते हो। वाई इज इंटरेस्ट चार्ज्ड? जरूरी नहीं है बैंक ही चार्ज करेगी, जो भी लेंडर होगा वो चार्ज करेगा इसको। जो इंसान भी पैसा देने वाला है वो चार्ज करेगा इस चीज को, ठीक है। बुक रेडी है? चलो ध्यान देना, सामने लिखवा रहा हूं मैं कुछ। वाई इंटरेस्ट, नंबर 1 आपको लिखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर 2 आपको लिखना है इन्फ्लेशन कॉस्ट, नंबर 3 आपको लिखना है लिक्विडेटरी प्रेफरेंस, एंड नंबर 4 आपको लिखना है रिस्क फैक्टर। चारों चीजें आपको लिखनी है। आपको अगर कोई एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया है उसमें से भी कुछ लिखना चाहो तो आप साइड में ब्रैकेट में नीचे ऊपर लिख सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं यही हूं। फटाफट लिख लो, होने बाद बताना। डन बेटा, श्रेय अपन रिवाइज करेंगे पूरा, डोंट वरी। मैं अभी इमीडिएटली रिपीट नहीं करता हूं पूरा, बट अपन रिवाइज करेंगे उसको। मैं आपको चारों स्लाइड्स दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ लिखना हो उसमें से तो आप लिख सकते हो। ये देखो, ये था अपना पहला स्लाइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मतलब अगर आपको एग्जाम्पल वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो। आकाश वो चीज मैं आपको बताऊंगा, मुझे 10 मिनट देना, मैं आपको बताऊंगा वो चीज भी। लेक्चर का टाइम वगैरह सब चीज अपन डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट बेटा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ये दूसरा पॉइंट था, दोज हु वांट टू राइट इट डाउन। ये है आपका तीसरा पॉइंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला। हमने इसमें मोबाइल का एग्जांपल लिया और प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया था, इफ यू विश टू राइट। और ये है फोर्थ पॉइंट, जहां पे हमने इनसॉल्वेंसी या बैंकरप्टसी के रिस्क के बारे में बात की थी, जो मोटा भाई को दिखना था। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? आकाश बताऊंगा, टाइम वगैरह सब बताऊंगा, अभी मैं उन्हीं चीजों पे आ रहा हूं। चलो, जिन लोगों का ये कंसेप्ट लिख के हो चुका है, दिस वाज कंसेप्ट नंबर 1, इसके ऊपर MCQ आ सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, MCQ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन दे देता हूं पूरे कोर्स का, पूरे सब्जेक्ट का, कोर्स का। हम किस तरीके से सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वॉट ऑल वी विल बी डूइंग, वॉट ऑल यू हैव टू डू, वॉट ऑल आई वॉन्ट यू टू डू, सब चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, सामने ध्यान देना सब लोग, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सब चीज़ें साइड में छोड़ दो, सिर्फ सामने ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ सामने ध्यान दो। अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, सुन लो, समझ लो। लिखना है कुछ लिख लेना, कोई लिखने जैसा है नहीं वैसे, बट लिखना है कुछ, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो होने बाद आप कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, फिर टाइम जैसे बचता है उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। रिस्क इनसॉल्वेंट होने का है ना? यस, करेक्ट करेक्ट सुशील। विशाल पूछ रहे सर, डिड एनी लॉ फॉर रिस्क फैक्टर्स? यस, देयर आर वेरियस लॉज फॉर रिस्क फैक्टर्स। इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करके एक लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो वो लॉज आप धीरे धीरे जैसे इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे ना, उन लॉज के बारे में भी आप पढ़ोगे। जैसे फाउंडेशन की बात करता हूँ तो लॉ में सिर्फ कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है। ऐसे ही ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लॉज होते हैं जो आप इंटरमीडिएट और फाइनल में पढ़ोगे, पर उसके लिए पहले पास होना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान देना सामने बेटा। कंसेप्ट क्लियर नहीं यहाँ तक सबको? आगे बढ़ जाए, बैकग्राउंड इंट्रो वगैरह बता दूं पूरा सब्जेक्ट का, कोर्स का, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। यस, ओके, सुपर्ब। चलो, आई होप यू आर रेडी। सामने जैसे आप देख पा रहे हो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, एक बिजनेस की डील हो रही है यहाँ पे, राइट? एक बिजनेस की डील हो रही है यहाँ पे। हमारे सिलेबस में, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बिजनेस में काम आने वाले चैप्टर्स हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो? सब्जेक्ट का नाम देखो, क्या है सब्जेक्ट का नाम? BMLRS, मतलब हम तो इसको प्यार से मैथ्स मैथमेटिक्स बोलते हैं। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से जो आपका कंसेप्ट है पहला, यानी कि जो आपका पहला 40 मार्क्स बिलोंग करता है। टोटल पेपर जो है 100 मार्क का है, टोटल पेपर जो है 100 मार्क का है। 100 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 40 मार्क्स इज फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड बैलेंस 40 मार्क्स आर फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 40, 20 एंड 40। तो पहला जो 40 है वो 40 में बिजनेस में काम आने वाले चैप्टर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ बेटा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका आंसर जो आपने दिया है, पूरा पेपर एमसीक्यू है, क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, गोला करना है जाके OMR शीट पे, प्रैक्टिस करेंगे अपन क्लास में। अगर आपने सही जगह गोला किया, जय माता दी नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं, अगर आपने सही जगह सही आंसर दिया आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका हो जाएगा -0.25, यानी कि -1/4। तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, डेट इज 0.25 आप बोल सकते हो। नेगेटिव मार्किंग दी गई है सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर में। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, लगभग 40 क्वेश्चंस फ्रॉम बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस में काम आने वाले चैप्टर्स कौन से सर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आल्सो इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, शायद सुना होगा। A is to B, 1 is to 2, 5 is to 10, इक्वेशंस। एक बिजनेस कंडीशन बता दिया आपको, इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को सॉल्व करो। आपने A² + 2AB + B² ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस देखे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे जहां पे एक वेरिएबल होता है जिसका पावर 2 होता है, राइट? इक्वेशंस में देखा होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस शायद आपने सॉल्व किए होंगे, राइट? तो इस तरीके की भी चीजें यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने स्टार्ट किया है आज, राइट? जहां पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ऐसे कंसेप्ट होते हैं। सेट करके एक टॉपिक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, राइट? A is a set which contains 5 elements, जिसमें 1 2 3 4 5 है, ऑल आर नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल। तो सेट में आ जाता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीसी, प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, पीसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास 10 चीजें पड़ी हुई है तो मैं उनको कैसे अरेंज कर सकता हूं, कैसे बना सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक टॉपिक है। आपने बचपन में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा शायद, समझ रहे हो बात को? ये जो है यही चीज यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में दी हुई है। कुल मिला के जो मैथ्स का पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स के लिए। कुल मिला के मैथ्स का पार्ट 40 मार्क्स के लिए लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ बुक में है। बुक जैसे भी आपके पास पहुंच जाएगी, जब भी ना, आपको सब कुछ दिया जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया। इसमें सर एक क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सिलेबस पहले ही देख रखा हो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर मेट्राइसिस करके एक चैप्टर हुआ करता था, मेट्राइसिस करके एक चैप्टर हुआ करता था जो अभी जुलाई 2021 का एग्जाम है उसी तक है वो। लास्ट मंथ में आईसीएआई ने एक नोटिफिकेशन लाया था जिसमें उन्होंने 3 चैप्टर्स को निकाल दिया गया है सिलेबस से, आपके लिए फायदा है। एक है मेट्राइसिस जो मैथमेटिक्स में था, दूसरा है सैलोजिज्म जो लॉजिकल रीजनिंग में था, तीसरा जो है वो है टाइम सीरीज जो था स्टैटिस्टिक्स में, बात करेंगे उनकी भी, राइट है। ये तीनों भी चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेट्राइसिस एक्चुअल में है सिलेबस में, आपको जो आईसीईआई की बुक आएगी उसमें मेट्राइसिस होगा बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरे जो नोट्स है उसमें से मैंने उसको निकाल के ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं क्या हो रहा है, दिमाग को ट्रेन, जैसे आप अपने बॉडी को ट्रेन करते हो वैसे ही हम हमारे दिमाग को भी ट्रेन करते हैं। आपके दिमाग को और तेज चलाने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए भी कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो दिमाग को तेज करने वाले चैप्टर्स भी हमारे पास है, जैसे कि पहला नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, 4-5 नंबर दिए गए हैं, दिमाग चलाओ देखो इसमें से कौन सा ऑड है उसको निकाल दो। या फिर सीरीज दी गई है 6-7 नंबर की, 8वां नंबर क्या आएगा बताओ, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर 2 डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मैं मेरे घर से निकला, सीधा चला 10 किलोमीटर, राइट लिया 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया 10 किलोमीटर, मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल्स अगेन दिमाग को तेज करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। रिलेशंस, वो वाले रिलेशंस नहीं जो तुमको चाहिए वो नहीं, मैं हर रिलेशन की बात कर रहा हूँ जो ब्लड रिलेशंस होते हैं। तो सपोज मेरे पापा, उनकी बहन, उनका बेटा, उनकी वाइफ मेरी कौन लगती है, सोच के बताऊँ। तो ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने इजी नहीं होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, तो देखेंगे अपन। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट। एक सर्कल है, एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है, यहाँ कौन बैठेगा, तो उस जो लिस्ट में से हमको देख के निकालना है क्या है कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये 4 टॉपिक है। 5वां टॉपिक जो था सैलोजिज्म उसको निकाल दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है सिलेबस से। कुल मिला के 20 मार्क्स आर देयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 3, जैसे कि आप देख पा रहे हो डेटा, डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करने वाले भी कुछ चैप्टर्स हैं। डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करने में भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि नंबर 1 डेटा क्या होता है बेसिकली उसके बारे में, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा क्या होता है, मैथ्स के लिए डेटा क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे चीजें कवर की जाने वाली है। नंबर 2 सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल्सो डिस्पर्शन। अब इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, हम इसको जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, हम वहां पे देख लेंगे। बेसिकली अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया है तो इन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में एनालिसिस करना है, उनका एवरेज क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये 10th में किया है आपने, वही चीजें हैं यहाँ पे, वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एक टॉस या मतलब एक यू कैन से कॉइन को टॉस करता हूं तो उस पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कोरिलेशन, अगर मैं आपको x एक वेरिएबल दूं, y एक वेरिएबल दे दूं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको निकालो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एंड लास्टली इंडेक्स नंबर्स, यानी कि अगर 1980 में इस चीज का भाव था 100 रुपए, आज उसका कितना भाव है निकाल के दिखाओ। इंडेक्स नंबर में ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर में ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट क्लियर बेटा यहाँ तक, हाँ या ना। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। अब ये सिलेबस देखने बाद ऐसा रिएक्शन आता है सामने स्टूडेंट का, सर फाउंडेशन से डर नहीं लगता सर, मैथ्स से डर लगता है। क्या सर फाउंडेशन से डर नहीं लगता सर, मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। नाले को सामने ध्यान दो, वो इमेज को छोड़ो, सामने ध्यान दो, यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ मैं। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ सिंपल है, आपको मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। सी इंस्टीट्यूट बेसिकली मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहता है कभी, राइट है। या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, मैथ्स एमबीए में भी है, मैथ्स लॉ के सब्जेक्ट्स में भी होता है कहीं ना कहीं। इस सब्जेक्ट का ये मोटिव नहीं है आपको परेशान करना, इस सब्जेक्ट का ये मोटिव है कि आपने इस चीज को समझना, अपने माइंड को ट्रेन करना, बिजनेस में सिचुएशंस क्या होती है उसको डील कैसे करना, ये सब समझना हमारा काम है सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स से। तो अगर हम ये समझेंगे कि हमको मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर डर लगेगा, फिर डर लगेगा। बट अगर आप पॉजिटिवली समझोगे इस चीज को कि हमें एक्चुअल में सब्जेक्ट से लेन देन नहीं है, हमें हमारी स्किल्स बढ़ानी है, हमें बिजनेस रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स में जो हेल्प होने वाली है उसके डिसीजंस अगर हमें लेने हैं तो हमें मैथ्स आना जरूरी है, उस हिसाब से हमें मैथ्स को पढ़ना है, हम पूरा कोर्स उसी हिसाब से करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा आपको ये कंसेप्ट है पढ़ लो, ये फॉर्मूला है रट लो, ऐसा नहीं होगा। आपको हर चीज कंसेप्चुअली समझाई जाएगी, उसका एप्लीकेशन कहाँ होने वाला है, लॉजिकल वे से हम उसका एप्लीकेशन निकालेंगे, शॉर्टकट्स भी हम देखने वाले हैं, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। बेसिकली आपका एक स्ट्रांग माइंड बनाना, आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस में इजीली करते आना, ये भी पॉइंट है। इंटर में फाइनल में कॉस्टिंग, टैक्सेशन, अकाउंट्स जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में हेल्प करना कैलकुलेशंस में, ये भी यहाँ पे मैथ्स का काम है। तो इतना ही नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें इसके साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, आपने टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है ये देखा होगा। कोविड के कारण, कोविड हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट मतलब क्या, जो कहीं होता नहीं है बट वो चीज़ों को फास्ट करता है। वैसे ही कोविड की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इंडिया एंड ओवरऑल दी वर्ल्ड काफ़ी बढ़ चुके हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने देखा है जूम यूज़ करते थे, जूम कितने टाइम से था, कितने लोग यूज़ करते थे। व्हाट्सएप कितने टाइम से था, फिर भी कम लोग यूज़ करते थे। गूगल ड्यूओ आप शायद आपके वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ करते होंगे, कब से था, कितने लोग यूज़ करते थे, आज कर रहे हैं क्या, जी हाँ। यूट्यूब कितने टाइम से था, काफ़ी लोग आज यूज करते हैं यूट्यूब को, कोविड होने बाद घर पे एंटरटेनमेंट चाहिए ना। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम कितने टाइम से था, इस साल ज़्यादा यूज़ होने लगा। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बिटकॉइन सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने, राइट। डेटा एनालिटिक्स सुना होगा आपने, डेटा साइंस सुना होगा आपने, राइट। इसके अलावा मशीन लर्निंग सुना होगा आपने। आई होप आपने ये चीज़ें सुनी है, नहीं तो नहीं सुनी है तो मुझे बीच बीच में रिमाइंड करवाते रहना, अपन इसके बारे में बातें करते रहेंगे। मतलब जैसे ही सिलेबस स्टार्ट होता है काफ़ी रिलेवेंस होने वाला है चीज़ों का। तो ये सभी चीज़ों के लिए बेसिक जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है मैथमेटिक्स। इंग्लिश नहीं आई चलेगा, मैथ्स आना जरूरी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैथमेटिक्स यहाँ पे, राइट। क्रिकेट मैच देखी होंगी, या अभी यूरो कप चल रहा है फुटबॉल देखे होंगे, काफी जगह डकवर्थ लुइस मेथड क्रिकेट में होता है। मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं समझा, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है स्कोर निकालने की, टारगेट सेट करने की, तो ये नहीं समझा तो वो नहीं समझ पाऊंगा, मतलब उसका कैलकुलेशन बेसिकली। तो काफी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ऑलरेडी मैथमेटिक्स, एंड आई प्रॉमिस टू मेक इट दैट ब्यूटीफुल एंड फेवरेट फॉर यू। मेरी ये प्रॉमिस है कि आप जब सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे ना अपने, आप बोलोगे सर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। भले अभी डर लगता होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर बेसिक का क्या करोगे, किस तरीके से चीजें कवर करवाई जाएंगी क्लास में, मैं अभी उसी पॉइंट पे आता हूँ। लेट मी कीप माय आईपैड जस्ट अ सेकंड। मैं अभी उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। व्हाट ऑल थिंग्स आर यू एंड मी गोइंग टू विटनेस इन दिस क्लासरूम डिस्कशंस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, मैं सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ। कोई भी चीज जो आपको सिलेबस के बारे में नहीं समझी है प्लीज मुझसे पूछ लो, मैं एक सेकेंड का पॉज लेता हूँ, 1 मिनट का पॉज लेता हूँ फटाफट से। जो भी लोग लाइव देख रहे हो, जो यू कैन से रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बोलो कंसेप्ट क्लियर है यहां तक पूरी तरीके से बेटा? यस, सर कैंसिल कौन सा चैप्टर हुआ है, रिपीट करो। चैप्टर मेट्राइसिस कैंसिल हो चुका है, चैप्टर आपका सैलोजिज्म कैंसिल हो चुका है लॉजिकल रीजनिंग में से, और स्टैटिस्टिक्स में से टाइम सीरीज कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सर नंबर क्या है दे दो ना, सब दूंगा, रुको ना यार थोड़ा, सब दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक बेटा, हाँ या ना? जिंदगी के अंदर हमें रिप्लाई करो। हंड्रेड % क्लियर। रमेश सिरवी, मेरा एक दोस्त हुआ करता था महेश सिरवी स्कूल में। चला क्रेडिट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं करनी है आपको। सर फाउंडेशन से डर नहीं लगता, मैथ से डर लगता है। तुम बोलोगे सर फाउंडेशन से पता नहीं क्या हो रहा है, अभी मेरे को तो पूरा फाउंडेशन से ही प्यार हो गया, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये हालत होंगी आपकी। आपका माइंड सेट सिर्फ साफ रखो, क्लियर रखो, जो बोल रहा हूँ उतनी चीजें फॉलो करो। आई प्रॉमिस यू इट विल बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स फॉर यू, ठीक है। दिल से पढ़ोगे ना तो सब समझने आएगा। बात करते हैं अपने चीजों की कि हम क्या क्या किस किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, हम क्या क्या किस किस चीजों से कंप्लीट करने वाले। ये आप बैठे हो लेक्चर देख रहे हो मेरा, ठीक है। सुशील बात करता हूं, बुक्स के बारे में बात करता हूं, डू नॉट वरी। पहली चीज सर, ये जो रेगुलर लेक्चर्स आप ले रहे हो, ये रेगुलर लेक्चर्स में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये रेगुलर लेक्चर्स में क्या क्या होने वाला है एक एक करके बताता हूं चीजों को। पहली चीज सिंपली स्पीकिंग, हम लेक्चर में 100% डिटेल्ड कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। जो लोग देखने आए थे कि मैं कितना डिटेल में पढ़ाता हूं, आपको शायद पहले लेक्चर में ही आइडिया आ चुकी होंगी कि हमने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर कितना फोकस किया है, ताकि जिंदगी भर में कभी ये चीज बाहर ना निकले हमारे से। मतलब आपको वो दर्शन सर ने बोला ना सुबह में, कब्र में भी अगर मैं तुमको पूछूं आके, भगवान करे ऐसा कुछ हो ना, बट अगर वैसा भी होता है मैं आपको आके पूछूं तो आप क्या बोलोगे? लिखोगे तो ही हम पास होंगे, राइट? वैसे ही इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको वहां से भी जवाब देते आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, उतने लेवल तक का हम होल्ड करने वाले हैं हर कंसेप्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट है डेमो लेक्चर पढ़ा दिया इतना डिटेल में, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस ऐसा ही डिटेल में होगा। 100 घंटे में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका, आपका सिलेबस जाएगा 150 घंटे तक, एटलीस्ट 135 आवर्स तो जाएगा ही जाएगा। व्हाई? बिकॉज इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यस बेटा, जिज्ञासु पूछ रहे सर ये तो लेक्चर 1 है, आप इतना अच्छा पढ़ाओगे ही, डेमो लेक्चर है, आपको एडमिशन चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक लेक्चर कभी डेमो नहीं होता है, हमेशा आपको 6, 7, 8, 10 लेक्चर डेमो दिए जाते हैं। सो यू कैन चेक आउट, आप अच्छे से समझ पाओगे कि हम कितना डिटेल में यहाँ पे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। और बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज नॉट अबाउट कौन से लेक्चर में क्या कवर हुआ, इट इज ऑल्सो अबाउट दी वे अ टीचर टीचेस। हर इंसान, हर टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का, एक स्टाइल होती है पढ़ाने की, जो हमको 10-15 मिनट भी सुन लिया ना उस टीचर को समझने आ जाती है। तो आपको शायद आज के अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट होते आए हैं, तो आपको शायद अभी तक आइडिया आ गई होगी कि मेरी क्या स्टाइल है पढ़ाने की, मैं किस तरीके से चीज़ें पढ़ाता हूँ और आपके दिमाग में वो कैसे घुस रही है, राइट? तो ये आपने शायद जज कर ही लिया होगा अभी तक। सो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके आगे लेक्चर्स भी आप देख सकते हो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको समझने आ जाएंगी चीज़ें क्या है, किस तरीके से। डू नॉट वरी अबाउट इट। प्रॉमिस तो मैं बहुत बड़े बड़े कर सकता हूँ, हर इंसान करता है, फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फुलफिलमेंट की गारंटी देता हूँ यहाँ पे कि उसको हम फुलफिल करेंगे, और मैं आपको प्रोसेस ही बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सो रेगुलर लेक्चर्स जो है हमारे, रेगुलर लेक्चर्स में हम कंसेप्ट्स देखेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएंगी, डिटेल में देखेंगे जहां जहां प्रैक्टिकल रिलेवेंस है। जैसे यहाँ पे बैंक का एग्जाम्पल हमने लिया, बैंक का प्रोसेस हमारा पार्ट नहीं है मैथ्स का, वो बीसीके का पार्ट है, बट मैथ्स में समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सर फॉर्मूला वगैरह तो ठीक है आप बता दोगे, हर क्वेश्चन को, मतलब हर क्वेश्चन नहीं, हर कंसेप्ट को हम लॉन्ग फॉर्म में भी देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट में कैसे किए जाते हैं, बिकॉज एग्जाम में 2 घंटे ही मिलते हैं, 3 घंटे का पेपर नहीं है लॉ बीसीआर जैसा, 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ रहे हो? 2 घंटे में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट जरूरी है। तो जहां जितना प्रूफ्ड शॉर्टकट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। कुछ शॉर्टकट मैंने बनाया है, कुछ शॉर्टकट रेडीमेड बने हुए हैं, मैंने लिए हुए हैं, कंपाइल किए हुए हैं, सब कुछ आपके सामने लेके आ जाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये तो ठीक हो गया, लिख के दूंगा मैं हर एक चीज, हर एक शॉर्टकट। सर कैलकुलेटर पे आप फटाफट कर लोगे, हमको कैसे समझेंगे? हर चीज लिखवा के दूंगा। कैलकुलेटर पे ये पहले प्रेस करो, दूसरा ये प्रेस करो, तीसरा ये प्रेस करो, चौथा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं। संडे बेटा आपका हॉलीडे रहा करेगा, संडे आपका हॉलीडे रहा करेगा। 99.99% संडे उसको आपके हॉलीडे रहा करेंगे। आई थिंक सो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली माइन, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एक दिन आपको भी आराम, मुझे भी आराम, ठीक है? आराम इसलिए नहीं ताकि हम मजे कर सके, आराम इसलिए भी ताकि अगले हफ्ते की प्रिपरेशन हो सके, आपकी भी मेरी भी, ठीक है? सो इसलिए संडे आपको रिफ्रेशमेंट लेना है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार हो सकता है अकाउंट्स का लेक्चर डिले हो जाए, 2:15 की बजाय 2:30 बजे खत्म हो जाए, तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट का आपको ब्रेक देके फिर ही स्टार्ट किया करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका शेड्यूल कहीं भी नहीं बिगड़ेगा। जरूरी नहीं है 4 बजे डॉट सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई बार हम क्वेश्चन कंसेप्ट चालू कर लेते हैं, उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है, नहीं तो लिंक टूट जाती है। थोड़ा सा 8, 10, 15 मिनट एक्सटेंड हो सकता है। ये खास करके मैथ्स और अकाउंट्स में होता है, बाकी जगह नहीं भी होता है मे बी, बट ये 2 सब्जेक्ट्स में खास करके ये चीज होती है। आपकी रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस करवाना क्लास में ही होने वाला है सब, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस करूंगा, इतनी प्रैक्टिस करूंगा, आप बोलोगे भाई माफ करो हो गया, आ रहा है मैथ्स, अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आई स्वेयर अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो सिर्फ इतना ही है कि जो बोल रहा हूँ ना उतना करो, बस इतनी ही चीज़ है। आ रहा हूँ गोलू कुमार, आ रहा हूँ कैलकुलेटर पे भी, आ रहा हूँ मुझे, और 8-10 मिनट बोलना है। मैंने काफ़ी चीज़ें इवन मैंने नोट डाउन कर रखी है मेरे सामने, ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। सो नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर होगा रोज, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर होगा रोज। करीबन 90-100 लेक्चर्स हमको लगते हैं। सो 135 से लेके 150 आवर्स तक आपका पूरा सिलेबस जाने वाला है। लगभग 3 महीने आप पकड़ के चलो, सितंबर एंड तक 99.99% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक आध चैप्टर जो बच गया वो अपन अक्टूबर 1st वीक में भी कर सकते हैं। Until and unless informed to you, Sunday will be holiday। कभी मुझे एक्स्ट्रा लेना रहा, कई बार ऐसा हो सकता है, समझो एक हफ्ते भर में एक हाथ छुट्टी हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ कोई वजह से, तो हम संडे को उसको कवर कर सकते हैं। वो एक बफर के तरह से भी एक्ट कर सकता है। एट दी सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, टाइमिंग 2:30 to 4 ही रहेगा, until and unless कोई चेंज हो तो। कोई भी चेंज होगा, जिन लोगों ने एडमिशन ली हुई है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जब तक आपने एडमिशन नहीं ली है तब तक आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब जितने भी दिन डेमो चलने वाला है 5-7 डेज। तो इसमें अगर कुछ चेंज होता है टाइमिंग में, ये आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बताया जाएगा। अगर कोई लेक्चर मिस आउट होता है, करो मत, अटेंडेंस रखो पूरा। अगर कोई लेक्चर मिस आउट होता है तो उसका उस दिन या नेक्स्ट डे पे या संडे तक उस वीक में कंप्लीट कर लो रिकॉर्डिंग में से। आज लेक्चर अगर हो जाता है, अब यूट्यूब पे है तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे मिल जाएंगी, बट जब हम वाव क्लास के प्लेयर पे स्टार्ट करेंगे या हम हमारे प्लेयर्स पे जब स्टार्ट करेंगे लेक्चर लेना, उस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, उस टाइम पे हम लोग आपको 24 आवर्स में लेक्चर अपडेट करके दे देंगे। तो आज अगर लेक्चर हो गया 24 आवर्स में आपका यू कैन से बैकअप आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेमलता, आप लोग ऐड हो जाओगे, डू नॉट वरी, मैं आज ही टीम से बात कर लूंगा, शायद मिस आउट हो गए आप ऐड हो जाओगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। जो जेडीपीडी वाले स्टूडेंट्स है, गूगल ड्राइव पेनड्राइव वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इस बैच के हैं, उनको भी सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी प्रॉपरली टाइम टू टाइम, ठीक है। हाँ, फीस की बात वगैरह सब एक एक करके आता हूँ यार, मुझे मेरा फॉर्मेट फॉलो करने दो पहले, ठीक है। रेगुलर लेक्चर्स में जहां जहां जरूरत पड़े, देखो कई बार क्या होता है, टीचर ने तो बोल दिया यार, टीचर तो बोलेगा, टीचर का काम है बोलना, इतना पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो। एक्चुअल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जिसने फाउंडेशन फेस किया है, देखो रैंकर का इंटरव्यू तो हर कोई डालता है, राइट, सभी टीचर्स, मैं भी ये करता हूँ, रैंकर्स के इंटरव्यू में डालता हूँ, आप मेरी चैनल पे देख सकते हो। तो काफी टीचर्स है जो रैंकर्स का इंटरव्यू, जो काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं उनका इंटरव्यू, ये सब होती है चीजें, हमारे क्लास में भी अपन करेंगे। बट एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, जो स्टूडेंट्स फेल होने बाद पास होते हैं या जो स्टूडेंट्स कम मार्क्स से पास होते हैं, इनके इंटरव्यूज या इनका डिस्कशन जितना हो सके मैं आपके सामने लाऊंगा, ताकि आप उनके गलतियों में से सीख सको क्या नहीं करना है, ये चीज भी क्लास में होगी, राइट। चैप्टर्स का बैकग्राउंड दिया जाएगा आपको प्रॉपरली, और हर चैप्टर का वेटेज बताया जाएगा आपको, और प्रैक्टिकल रिलेवेंस बताया जाएगा आपको। एंड में सब कुछ होने बाद आपको मैराथन लेक्चर्स या मैराथन रिविजन, यानी कि यू कैन से पूरा सिलेबस एक दिन के अंदर कैसे कवर करना है, ये भी करवाया जाएगा। लेट मी ऑल्सो टेल यू, जो मैं पीपीटी यहाँ यूज करता हूँ या जो मैं मेरे आईपैड पे लिख के आपको चीजें सॉल्व करवा के दिलाने वाला हूँ, सिंस मैथ से काफी कुछ लिखना पड़ता है, पीपीटी से काम नहीं चलता, तो ये चीजें भी मैं आपको एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, कि जो भी क्लास में डेली होता है इन सभी चीजों की कॉपी आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सर कहाँ डाउनलोड करें, क्या करें, सब कुछ आपको 10 जुलाई के पहले बताया जाएगा, ठीक है। नंबर टू, बात करते हैं टेस्ट की। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, आपके टेस्ट रेगुलरली लिए जाएंगे, राइट, ध्यान देना, सब हो ना लाइन पे यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा चला तो नहीं गया है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ इसके लिए। सो थोड़ा सीरियस नोट पे फटाफट खत्म करते हैं इन चीजों को, और आपको मैं रिलीव कर देता हूँ। नंदिनी, इफ यू विश टू लीव यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, ठीक है। मैं बात करता हूँ टेस्ट के बारे में। लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार मेरी पर्सनल एप्लीकेशन पे आपकी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, उसमें टाइम वगैरह सब आ जाता है ऑटोमेटिकली पूरे टेस्ट का। एट द सेम टाइम आपका नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, आपको सोल्यूशन भी वहां पे दिख जाता है, और उसको मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा जो भी उसमें से क्वेश्चंस है। सो ये एप्लीकेशन का भी मैं आपको इंस्टॉलेशन वगैरह सब करवा के दूंगा। आपका लगभग यू कैन से हफ्ते में 2 से 3 दिन शाम को 7 बजे आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी। आप रात को 11-12 बजे तक कभी भी दे सकते हो, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अक्षरा, इफ पॉसिबल, सिंस आप व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब यूज कर ही रहे हो, तो इफ पॉसिबल प्लीज आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो। वहां पे क्या है, प्रॉपर अपडेट्स जाते हैं और वहां पे चीजें सेव भी हो जाती है, ताकि कोई अगर बाद में ऐड होता है उस ग्रुप में तो वो भी पहले से सब कुछ देख सके। तो मैं सजेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल प्लीज डू इट, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो टेस्ट जो है ये ली जाएगी, मॉक टेस्ट अलग से ली जाएगी, 50% सिलेबस की खत्म होते ही, 100% सिलेबस खत्म होने बाद भी लिया जाएगा। डेली 1 to 2 क्वेश्चंस मिनिमम होमवर्क दिए जाएंगे, नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर 4-5 डेज थोड़ा सा सिलेबस तो कंप्लीट कर ले उसके बाद। एंड मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। प्रेम बजाज, पर्सनल प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम पे, चैनल है, पब्लिक चैनल तो आप दर्शन सर का है मेरा पब्लिक चैनल, या रोहन सर का पब्लिक चैनल आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो, हमारे नाम से वो है। बट जो इस बैच का है वो प्राइवेट वाला है, तो आप एडमिशन जैसे लेते हो आपको उस बैच में ऑटोमेटिकली ऐड किया जाएगा, आपको लिंक आ जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। आता हूँ भाई कैलकुलेटर पे आता हूँ, ऑडियो रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगा। कई बार क्या होता है, हम बैठे हुए हैं टाइम पास, ऐसे गाना सुनने का मन करता है, उसके जगह चलो अपन आज अकाउंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, मैथ्स को रिवाइज कर लेते हैं, तो वो भी मैं आपको ऑडियो रिवीजन करवा दूंगा क्लास में ही। आप ऑडियो वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब ओपन करके, या मैं आपको उसकी वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आपको ऑडियो सुनना है आप सिर्फ ऑडियो भी सुन सकते हो, ये भी आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा, राइट। करीबन 40 या 45 प्रैक्टिस सेट्स फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स में हो गए, और उतने ही आगे भी हो गए, तो लगभग 80 प्रैक्टिस सेट जिनकी बुक आपको पहुंचाई जाएगी, राइट। तो नोट्स जो है पूरे कलरफुल फॉर्मेट में है, क्वेश्चनर आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है बिकॉज क्वेश्चन आंसर में क्या ही कलर होना। मेन बुक आपको मिल जाएगी, आपको क्वेश्चनर बुक मिल जाएगी, आपको समरी या फॉर्मूला बुक भी मिल जाएगी। हाउएवर समरी बुक आपको खुद से भी बनानी है जिससे आपको पूरी चीज प्रॉपर समझने आ जाएगी। सर नोट्स कब मिलेंगे? जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हो, नेक्स्ट वीक यानी कि 5th से लेकर 10th जुलाई के बीच में आपके नोट्स यहाँ से डिस्पैच किए जाएंगे। आपको नोट्स उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जहां भी आप रह रहे हो, जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, समरी बुक आपको बनानी है और एवरी संडे समरी बुक आपने मुझे सबमिट करनी है। सर कैसे सबमिट करनी है सब बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सबमिट करना है। समरी बुक में जो भी मैं आपको बोलता हूं लिखने के लिए वो लिखना है, प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है या डिफिकल्ट लगता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है ये, वो भी आपको उसमें लिखना है। 100 पेजेस की बुक बना लो समरी की, 50 to 80 पेजेस कम से कम कवर होंगे। क्लास वर्क जो मैं क्लास में लिखवाता हूं, 200 पेजेस के 2 से 3 बुक्स हमें लग सकते हैं। ये आइडल फीडबैक मुझे स्टूडेंट्स मिला कि सर 2 से 3 बुक खत्म हो जाते हैं, तो 2 से 3 बुक लिखते हैं और मेरी जिम्मेदारी है मैं वेस्ट नहीं कराऊंगा। सर आपने 10 पेज वेस्ट करवा लिए तो नहीं कंप्लीट हुए, तो मेरी जिम्मेदारी है वेस्ट नहीं होंगे, नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। समरी की बात कर ली मैंने, आई विल जस्ट समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर यू, सो उसकी टेंशन की बात नहीं है। ये रहा कैलकुलेटर आपके सामने। सर ये कैलकुलेटर ही यूज करना है क्या? बेटा बैकअप आपको 1 व्यू मिलेगा, साक्षी 1 व्यू पूरा मिलेगा आपको। 1 व्यू का मीनिंग मैं उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं आज या कल में मे बी। 1 व्यू का मतलब ऐसा नहीं एक बार खोल दिया बंद करते खत्म, नहीं। अगर लेक्चर 1.5 घंटे का है, इसका मतलब आपको 1.5 घंटा वो लेक्चर आप चला सकते हो, तो पूरा प्रॉपर स्पीड पे एक बार देख लो। अब सिंस अगर आप लाइव देखते हो तो फिर से तो आप पूरा नहीं देखोगे, जो पार्ट आपको रिवाइज करना है उतना आप सिर्फ रिवाइज करोगे, तो आप उतने पार्ट पर जा सकते हो और देख सकते हो। तो उस लेक्चर को व्यू करने का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का है, फिर आप भले 2 की स्पीड पे 2 बार पूरा लेक्चर देख लो। आप एक ही बार में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, आधा घंटा यूज हो गया, वापस से आधा घंटा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, वापस से आधा घंटा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, तो 3 बार भी आप देख सकते हो। सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज दैट व्यू। हालांकि अगर आपका लाइव लेक्चर मिस आउट होता है तो आप एक ही बार पूरा लेक्चर उसी स्पीड पे देखना ताकि आपको प्रॉपरली समझने आ जाए। ठीक है, तो ये बैकअप के बारे में था। कैलकुलेटर ये वाला यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी आई विल शो यू, ये सेम कैलकुलेटर मेरे पास भी है, एक सेकंड दिखाता हूं आपको। ये देखो कुछ ऐसा कैलकुलेटर दिख रहा है क्या आपको? यस, कुछ ऐसे टाइप का कैलकुलेटर है। यही कैलकुलेटर अगर आप यूज करो तो बहुत बेहतर है, आप और कोई भी यूज कर सकते हो। सिटीजन, फ्लेयर या ऑर्पेट, ये 3 ब्रांड्स हैं जिनके ओरिजिनल कैलकुलेटर्स जो है लगभग 200 से 300 रुपए में आते हैं, यहाँ चाइना वाले 100-150 रुपए में आते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ओरिजिनल यूज करो, उनके बटन काफी सॉफ्ट होते हैं। तो आपको आपके कैलकुलेटर को अपना दोस्त बनाना है बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा थ्रू आउट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। ठीक है, तो इसकी लिंक जो है, मतलब जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा या आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सॉरी। आप वो वाला बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर के आजू बाजू में मिलता होगा, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपके कैलकुलेटर में टैक्स प्लस, टैक्स माइनस या कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। MRC, M प्लस, M माइनस, काफी कैलकुलेटर्स में GT नहीं होता है। जो कैसियो लेने वाले हैं, जिनके पास कैसियो है, चेक करो, अगर GT बटन नहीं है तो यूज नहीं है कैलकुलेटर का। ये हमारे बहुत सारे काम आसान कर देगा। तो ऐसे टाइप का कैलकुलेटर रहा बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं नोट्स के बारे में। तो जब मैं नोट्स के बारे में बात करता हूं, आपको हमने बता दिया कि फिजिकल कॉपी ऑफ नोट्स आपको कब मिल जाएंगी। वेन एवर यू रजिस्टर, आपको उसी के बाद, अगर आप 5 तारीख के बाद रजिस्टर करते हो, एडमिशन लेते हो, तो आपको जितने लेक्चर्स यहाँ है ये तो है, जो लेक्चर्स मिस आउट होते हैं ये आपको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा, नोट्स में फिजिकल कॉपी तो आपके पास आने ही वाली है। अगर आप 5 तारीख के बाद एडमिशन लेते हो तो 2-3 दिनों में यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। यूजुअली 7 वर्किंग डेज में आपके पास आ जाना चाहिए आइडियली। थोड़ा 19-20 होता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन एंड लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन भी, राइट। कैलकुलेटर सभी सब्जेक्ट्स में अलाउड है। यस, कैलकुलेटर हर सब्जेक्ट में अलाउड है बेटा। आकाश, यस, सभी क्वेश्चंस कवर हो गए, मैं उस पॉइंट पे आने वाला हूं अभी, राइट। नाउ लेट मी टेल यू, आपको जो सॉफ्ट कॉपी है पूरे नोट्स की, 100% नोट्स की, हाँ रमेश आपका मैं क्वेरी सॉल्व करता हूं अभी, 100% नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाएगी मेरी एप्लीकेशन पे, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, प्रिंट नहीं कर सकते हो, बट देख सकते हो हर एक चीज, राइट। और अभी जो इनिशियल डेज है, जब तक आपके पास बुक आती है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर दिया, उसका मैं यू कैन से पीडीएफ फाइल ओपन करके आपको दे दूंगा। वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या थी, लेट मी टॉक अबाउट पीपीटी एंड डेली स्लाइड्स जो है, ये भी आपको मिलने वाले हैं पूरी तरीके से। हमारा जो लैंग्वेज रहने वाला है क्लासेस का, प्राइमरीली हिंदी, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ इंडिया से है, ईस्ट वेस्ट से, हर जगह से है, तो कॉमन लैंग्वेज हिंदी ही होती है। नंबर टू, ऑल्सो लेट मी टेल यू, नंबर टू जो है वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करवाई जाएगी जहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे। सो इंग्लिश प्लस हिंदी आइडियली ये हमारी लैंग्वेज रहने वाली है पूरे कोर्स की। ठीक है सर, प्रैक्टिस क्या क्या करवाओगे ये बता दो। सर पहले प्रैक्टिस क्या क्या करवाओगे बता दो। मैं प्रैक्टिस की बात करूँ बेटा, YouTube पे नहीं होगा बेटा, पूरा कोर्स पेड कोर्स है, ये फ्री कोर्स नहीं है, ये हम डेमो लेक्चर्स जो आपको दे रहे हैं वो है अभी। तो स्टार्टिंग में आपको भी करीबन 6-7-8 दिन या 10 दिन मैक्सिमम डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद आप पेड कोर्स के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। wowclass.com पे आप जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके पहले मेरा नंबर आप लिख सकते हो, आई विल जस्ट पुट इट इन दी चैट बॉक्स ऑल्सो। या तो WhatsApp या तो Telegram, मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों को बोलने की कि आप जो भी डाउट्स है, आपके जो डाउट्स है, ये डाउट्स आप कहाँ भेजना, टेलीग्राम पे भेजना। बिकॉज वो क्या है, WhatsApp पे ना बाकी के भी चैट्स चालू रहते हैं, सो उस दौरान मिस आउट हो सकती है आपकी क्वेरी। तो आपकी जो क्वेरी है जहाँ पे आपको कोई चीज़ वर्ड से टाइप करनी है, आप टाइप कर दो टेलीग्राम पे, पूछ लो। जहाँ पे आपको कोई इमेज भेजना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझा, मैंने इतना सॉल्व किया, फोटो ले लो टेलीग्राम पे भेज दो, प्रॉपर क्वेरी पूछो, प्रॉपर आंसर मिलेगा। वॉइस नोट भेजना है, वॉइस नोट भेज दो, सर ऐसा 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 हुआ है, मुझे ये नहीं समझा, प्लीज समझाओ, बता दूंगा। ठीक है, तो डाउट जो है आपके, डाउट लाइव हो गए यहाँ पे, लाइव क्लास में, भले यूट्यूब हो या वाओ प्लेयर हो या कोई भी चीज़ हो, गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएवर, यहाँ पे भी 2 वे रहने वाला है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है आपकी, दूसरी चीज़ जो है कि आप डाउट सॉल्विंग सेशंस में वीकली बेसिस पे लिया करूँगा, एवरी संडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी होगा लिया करूँगा मैं। सो उसमें भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप पर्सनली भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे। सर मुझे ना कोई चीज़ की प्लानिंग करनी है, कोई और डिस्कशन करना है आपके पास से, आप हमारे मेंटोर हो सर, आपसे कुछ पूछना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप पूछ सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप करना, उसके लिए व्हाट्सएप करना। ठीक है, अगर कॉल करना चाहो आप मुझे तो डायरेक्ट मत करो, दिन भर में क्लासेस चालू होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके रखना, सर मुझे आपसे बात करनी है, टाइम दे दो, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे अपन बात कर सकते हैं, तो उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइडल टाइम फॉर मी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज कैन वेरी फ्रॉम राइट 1 आवर 2 आवर टू 24 to 48 आवर्स। लगभग 24 आवर्स में रिप्लाई कर देता हूं मैं। कभी कभार सिचुएशन बहुत खराब रही, मेरी तबियत ठीक नहीं, दिन भर क्लास चालू है, तो हो सकता है 48 आवर्स। हाउएवर आपकी एग्जाम के टाइम पे तो मैं पूरा दिन अवेलेबल हूँ, उस टाइम पे मैं क्लासेस नहीं रखता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्वेरीज सॉल्व किए जा सके। ठीक है, सो इतनी सब चीज़ें तो मैं आपको 100% देने ही वाला हूँ। डाउट सॉल्विंग सेशन करीबन 30 to 45 मिनट्स का रोज होने वाला है। सर व्हाट अबाउट बेसिक मैथ्स, सर व्हाट अबाउट बेसिक मैथ्स, मैंने आपको कल जो शेड्यूल की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में लेने वाला हूँ, ये हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं मैं 2 जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब कल से 2 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, आई गेस इट इज फ्राइडे टुमारो, कल से लेके मैं बेसिक क्लास रोज 1 घंटा स्टार्ट करूंगा, लगभग 8 से 10 घंटे जा सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर एबल टू डू इट। ये लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होंगे, इसकी लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगी, ये गूगल मीट पे, जूम पे वगैरह लिए जाएंगे ताकि हम ज्यादा इंटरेक्शन कर सकें। राइट, सर सबके लिए कंपलसरी है, अगर आपको लगता है आप बहुत होशियार हो मैथ्स में, मत अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सजेशन है आप करके देखो, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है। मैं डिटेल्ड बेसिक्स में जाऊंगा वहां पे, तो सर मुझे, अगर मैं नहीं अटेंड करता हूं तो कंपलसरी बेसिक तो आपको करना ही है। मतलब मैं बताता हूं, आई विल रिपीट, पे अटेंशन। 2 टाइप के बेसिक्स है। सिलेबस जब मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे आज मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, ऐसे हर चैप्टर मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और जो पहले हमारे 3-4 दिन रहेंगे ये कंपलसरी कॉमन बेसिक, साइंस बैकग्राउंड का हूं सर, एकदम अच्छा मैथ्स है, फिर भी वो आपको अटेंड करना है, उसमें भी आप गड़बड़ करोगे, मुझे पता है। तो कंपलसरी बेसिक हम यहीं पे करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बेसिक्स है, एडिशनल इन डिटेल वाला, वो बेसिक्स के लिए आप मेरे बेसिक के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो 4:15 to 5:15 यानी कि हमारा क्लास खत्म होगा कि 15 मिनट की ब्रेक में हम लोग कर लेंगे हमारा, क्या बोलते हैं, we will start with our, you can say the basics part, basics of mathematics, logical reasoning and statistics, वहाँ पे हम कवर कर लेंगे उन चीज़ों को, एडिशनल बेसिक्स। अप टू यू, इफ़ यू वांट टू अटेंड, अटेंड नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है, बाद में बैकअप नहीं मिलेगा, अटेंड करना अगर जरूरी है तो, कोई लॉजिकल रीजन रही, वैलिड रीजन रही तो मैं बैकअप दे दूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो। एंड जो स्टूडेंट्स लाइव यहाँ पे रेगुलर अटेंड करेंगे उनको यहाँ पे जो कंपल्सरी बेसिक वाला पार्ट है वो मैं करवा लूंगा। ठीक है, 2 more things before I leave। पहली चीज तो सर आपके बारे में नहीं पता है, आप कौन हो, ये इंसान कौन है जो एक डेढ़ घंटे से बात कर रहा है, नहीं पता है सर। सुना हुआ है नाम, ऐसा अगर कोई है तो मैं, वैसे मेरी तारीफ नहीं करता हूँ, ऐसे है भी नहीं कुछ ज़्यादा तारीफ करने लायक, सीधा साधा नॉर्मल इंसान हूँ, सज्जन पुरुष हूँ मैं। सो फिर भी मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। आई एम करण चंदवानी, माई नेम इज़ करण चंदवानी, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय माई क्वालिफिकेशन, बाय माई प्रोफेशन। आई हैव बीन टीचिंग सिंस देन, मैं प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हूँ काफ़ी हद तक, आपको जैसे पता होगा। लाइक आई डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स फॉर वेरियस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। मैं बिजनेस ऑटोमेशन यानी कि टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो फील्ड है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन आपने सुना होगा, उसमें मैं काम करता हूँ बेसिकली। आज भी करता हूँ मैं, कहीं बगैर काफ़ी लिमिटेड बट करता हूँ, सो दैट आई कैन गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और बेसिकली आई लव दैट थिंग। सो लाइक आपको पता है मैथमेटिक्स और आईटी में पढ़ाता हूँ, तो इस केस में मुझे वो प्यार ही है मेरा, देखा जाए तो। नेक्स्ट चीज़ जो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकल रिलीवेंस एक्सपोजर्स भी देते जाऊँगा। उसके अलावा मैं काफ़ी यू कैन से उतने ही टाइम से मैं सिखा भी रहा हूँ जब से मैं पास हो गया हूँ। पहले भी मैं सिखाता था एज अ स्टूडेंट, बट दैट वाज फॉर जूनियर पीपल। नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग फॉर सीनियर पीपल, करीबन 5 इयर्स से ये हो रहा है। I qualified my CA at the age of 21, being one of the youngest chartered accountants in the country, and पूरा थ्रू आउट फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। हमारे टाइम पे फाउंडेशन नहीं CPT हुआ करता था, सो उसमें मैथ्स 50 मार्क्स का हुआ करता था। आई ऑब्वियसली गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन दैट, सो शायद उसी वजह से मैं पास हुआ। मेरी स्टोरी बताऊंगा कभी दूसरे दिन। सो अभी तो बहुत मिलना जुलना है, साथ में बहुत सारी चीज़ें समझनी है एक दूसरे की, सो वो तो होने ही वाला है। आपको काफ़ी लर्निंग्स भी मिलेंगी वहाँ से। साक्षी ने मेरी स्टोरी सुनी हुई है, देखी हुई है शायद, तो उसने जस्ट कमेंट किया था आज, तो मुझे याद आई उस चीज़ की। सो 11-12 मेरा साइंस बैकग्राउंड से रहा है बेसिकली। सो मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती है साइंस में, आपको शायद पता होगा। सो वो सब चीज़ें की गई है। नेक्स्ट नंबर 2, लेट मी ऑल्सो से आई हैड गिवन द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ IIT JEE, तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं यहाँ पे आपको डालने वाला हूँ। मतलब मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिंपल चीज़, लेट मी टॉक अबाउट, एंड दैट सिंपल थिंग इज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सर प्रैक्टिस क्या क्या करवाओगे, सर प्रैक्टिस क्या क्या करवाओगे आप बता दो। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करवाऊं, आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा 2000-2500 क्वेश्चंस पूरे क्लास में, विथ होमवर्क ऑब्वियसली, RTPs रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, अदर ऑथर के बुक के क्वेश्चंस, मेरे खुद के इतने नहीं है वैसे, बट जितने मुझे लगता है उतने बनाए हैं वो क्वेश्चंस, प्लस जो मैंने IIT JEE के टाइम पे या जो बैंकिंग एग्जामिनेशन या MBA एग्जामिनेशन से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस उठाता है वो भी यहाँ पे आ जाएगा पूरा, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा पूरा, ठीक है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन हम करवाएंगे, आप देख लेना, आपको समझ जाएगा, ठीक है। आयुष थैंक यू सो मच, हाँ डोंट वरी। चलो सो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको आज बताना सही समझा। आई थिंक सो आपको सब चीज़ें क्लियर की गई है। आपको एक सॉफ्ट कॉपी लिंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, सब मटेरियल दे दिया जाएगा। कल कंटिन्यू करेंगे, पहले रिवाइज करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो भी आज पढ़ा है, और फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने जो चीज़ें बतानी थी सब बता दी है, मेरे तरफ से कंटेंट क्लियर है पूरा। BCR के जो क्लासेस है ये आपके लॉ खत्म होने के बाद होने वाले हैं, या मैथ्स कुछ हद तक खत्म होने बाद अपन करेंगे। बट एक चीज़ आपको बता दूं, मैं BCR का डेमो जो लोगों को देखना है, सर हमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें BCR का भी डेमो देखना है, आप कैसे पढ़ाते हो BCR वो देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। 5th 6th 7th 8th एंड 9th 5 दिन BCR का डेमो होगा, 7:15 बजे से 8:15 बजे तक, 7:15 to 8:15 ऑन दिस चैनल लाइव डेमो आपको मिल जाएगा BCR का, देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए तो डिसाइड कर लो, अगर BCR के लिए आप रुके हुए हो तो इसीलिए वैसे मैंने स्टार्ट नहीं करना था अभी, बट डेमो के लिए मैं आपको 5 दिन दे दूंगा, उसके बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हो, उसके बाद अपन उसको स्टार्ट करेंगे। उसके पूरे डिटेल्स आपको BCR के क्लास में इंट्रो प्रॉपरली दे दिया जाएगा, क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, रमेश की क्वेरी सॉरी मिस आउट हो गई। सर एक डाउट है फाउंडेशन एप्लीकेशन को लेकर, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हूं बट उस एप्लीकेशन में मार्कशीट ब्लर हो गया है, तो मैं फिर से अपडेट कर सकता हूं क्या? हाँ बेटा आप अपडेट कर सकते हो, बट मेरा बोलना ऐसा है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं आया है तो वेट करो, इंस्टीट्यूट खुद आपको बोलेगा वापस से अपलोड करो, उस टाइम पर अपलोड करना, ठीक है, उस टाइम पर अपलोड करना। आप क्या करो, इसी चैनल पे ना एक लिंक है, इसके पहले मैंने जहाँ पे ना बुक्स ऑर्डर कैसे करना है वो बताया था, उसमें मैंने कमेंट में एक लिंक डाली हुई है, उस लिंक से जाओ, लॉगिन करो, या E-सर्विसेज पोर्टल से आप डायरेक्टली जा सकते हो, लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही आपको अपडेट प्रोफाइल या एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, OTP वगैरह आएगा आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। चलो मैं लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, आई होप आपको सब चीज़ें समझने आ गई होगी। कुछ चीज़ आप अगर मुझसे कन्वे करना चाहते हो बट शर्म आ रही है तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे, ठीक है। WRO नंबर या आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये 7 to 8 डेज में यूजुअली आ जाना चाहिए। डिफॉल्ट कुछ केसेस होते हैं, यू कैन से नॉट डिफॉल्ट, फॉल्ट के केसेस जो होते हैं उसमें 15 दिन तक जा सकता है। कोर्स अगर आप सब सब्जेक्ट लेते हो जो कि हम हाईली रिकमेंड करते हैं, सो 12,000 इज आई गेस लाइव बैच, 15,500 इज गूगल ड्राइव, 17,500 इज पेन ड्राइव, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुछ डिटेल चाहिए मुझसे, टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू विश टू परचेस एनी सिंगल कोर्स यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। सीडीएस पे बुक्स आप 6-7 दिन बाद चेक करना, दिख जाएंगे आपको। 6 बुक्स ही होती है ना, बराबर है, मैथ्स की एक बुक, यू कैन से बीसीआर की एक बुक, लॉ की एक बुक, अकाउंट्स की एक बुक, इकोनॉमिक्स की एक बुक, बीसीके की एक बुक, बराबर, ठीक है। चलो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू ऑल बैक टुमारो एट द सेम टाइमिंग। मैं और 5 मिनट यहीं पे हूँ, कोई भी क्वेरीज लाइव स्टूडेंट्स की है मैं एड्रेस कर दूंगा, जो भी क्वेरीज जो भी पूछना हो पूछ लो, मैं यहीं पे हूँ 5 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा। जो लोग जाना चाहते हैं, सॉरी टू टेक योर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट आई वॉज इन मिड ऑफ समथिंग, वो मुझे कंप्लीट करना था, ठीक है। चलो, एनी क्वेरीज प्लीज टेल टू मी, वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ, अदरवाइज वी विल स्टॉप। अकाउंट का 2 मॉड्यूल होता है ना सर? बेटा सच बोलूं ना तो आइडिया नहीं है, शायद 2 होता है, मैथ्स के भी 2 है, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात करूं, बट एक बार चेक कर लो, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ना चीज़ें चेंज की है अभी इसके लिए। गूगल मीट नहीं, यहीं पे क्लास होंगी आपकी। जो लोगों ने वाओ क्लास पे एडमिशन लिया हुआ है, आपका कल भी बैच यहीं पे होगा, आगे बताएंगे कब होगा क्या होगा। एग्जाम में कैलकुलेटर, यस कैलकुलेटर ले जा सकते हो एग्जाम में, इसलिए तो कैलकुलेटर की ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे क्लास में। अकाउंट्स, मैथ्स, सभी पेपर्स में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। लॉ में यूज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रोविजन ढूंढता हूँ कैलकुलेटर पर, ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रमेश, कल अगर एडमिशन करते हो तो 5th या 10th के बीच में आपका बुक्स डिस्पैच हो जाएंगे। यस शिवम, अरे शिवम तू तो अपना स्टूडेंट है पहले से, पता है ऑलरेडी। कैसा है शिवम, ऑल गुड? सर मैथ्स का बहुत डर लगता है, मैडम मैंने वही तो दिखाया आपको। सर फाउंडेशन से डर नहीं लगता सर, मैथ्स से डर लगता है, बराबर, थप्पड़ से नहीं लगता, प्यार से लगता है, वही चीज़ है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को प्रीपॉन्ड करके देख लेना वापस से, एक बार कंप्लीट हो जाता है लाइव तो, 2-2.5 मिनट में अपलोड हो जाता है, होने बाद आप उसमें एक बार देख लेना, सब चीज़ें पूरी दी हुई है। टेस्ट वगैरह, यस जो मेरे सब्जेक्ट के मैं टेस्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट अमाउंट ओनली, अलग से आपसे कुछ अमाउंट नहीं लिया जाएगा। हाँ अगर कोई टेस्ट सीरीज अलग से आ सकती है तो वो अलग होगा, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आपको क्लास में जो जो भी बताया गया है ये सब उसी अमाउंट में होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ अभी 12,000 आ गया ना फिर और 10,000 ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ पप्पू नहीं है अपन, अपन मोटा भाई नहीं है अपन, ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो हाँ शुभम बोलो, क्या हो गया इन्फ्लेशन, मतलब नहीं समझा मैं। जिनके क्वेरीज में रिप्लाई नहीं कर पाया आप अभी पूछ सकते हो। ओके अश्विनी, यस अश्विनी बोल रही हैं सर अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल होते हैं पक्का, जो पूछ रहे थे देख लेना। सर बेसिक मैथ्स क्लासेस टाइमिंग मॉर्निंग 7 और इवनिंग 7, नहीं, मैथ्स के बेसिक क्लासेस जो है ये 4:15 से 5:15 बजे तक, बट जो बीसीआर होगा ये 5 से लेकर 9th तक जो होगा ये 7:15 बजे से 8:15 बजे तक शाम में, यानी कि रात में, लेट इवनिंग। साक्षी बोल रही सर मैथ्स का डर लग रहा था बट आपका लेक्चर देख के अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। अरे अभी तो शुरुआत है, तो पहला लेक्चर है और तो 140 आवर्स जाने बाकी है, आप डोंट वरी, बिल्कुल मजा आएगा एकदम, मतलब आग लगा देंगे अपन। कंसेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर है, यहां तक आया ना? यस चलो मैं लेक्चर को एंड करता हूं, इसके बाद कोई डाउट्स होंगे तो अपन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।